अलबत्ता मेड बिल्ड टू लास्ट एक किताब है जिम कॉलिंस की, जिसमें उसने कुछ सक्सेसिव कंपनीज के केस स्टडीज की। उसका भी यही कहना है कि अक्सर कंपनी जो है दे एक्चुअली जब एक्सीडेंट होते हैं शुरू हुई की केस स्टडी है शुरू हुई फॉर द माइनिंग कंपनी, और पहला वेंचर फेल हुआ, फिर नए इन्वेस्टर्स आए, दूसरा वेंचर फेल हुआ, फिर वेंचर में जाकर फिर आहिस्ता आहिस्ता विजन डेवलप हो गया। उसका ये कहना है कि जब विजन डेवलप हो गया फिर जो है वो कंपनीज को उस विजन की वजह से बहुत सस्टेनेबिलिटी मिली। जिम कॉलिंस टाइप में केस के जो है जो विजन होते हैं तो दे एक्चुअली एंश्योर दैट द कंपनी विल लास्ट फॉर अ लॉट ऑफ टाइम। और ये ऑल्सो इज नॉट सेइंग, और जो इसकी रीजन भी ये नहीं बता रही कि हर कंपनी विजन के साथ शुरू हुई थी, वो एक्सेप्शन है। तो गूगल का और फेसबुक का तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट यूजली दैट इज व्हाट हैपेंस। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमें ये पता है कि एक्सीडेंटली लोग विजन बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं, चलते हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्सीडेंटली हो रहा है, इसका मतलब है कि एक फ्रैक्शन होगा लोगों का जो ग्रेट विजन बना के चलेंगे। मैं ये कहता हूं कि ये जो है दिस शुड नॉट बी एन एक्सेप्शन, दिस शुड बिकम अ रूल कि हम क्यों नहीं शुरू से विजन बना के चलें। तो आउटलायर जो किताब पब्लिश हुई है बाय मैल्कम ग्लैडवेल, उसमें वो यही कह रहे हैं, उसने उसमें बड़ा अच्छा केस स्टडी की है बिल गेट्स की। वो ये कह रहा है कि बिल गेट्स एक्चुअली केम आउट ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल सिचुएशन होती गई, अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, और वो जो है वो बस और उसने माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च कर दी। देखो ये कह रहा है कि वो हजारों लोग और जो कि बिल गेट्स की तरह के काम कर सकते थे, लेकिन सिस्टम्स के और प्रोसेसेस के और एक पूरा एक फ्रेमवर्क के एब्सेंस की वजह से वी शुड हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ बिल गेट्स नॉट वन। आई कंप्लीटली एग्री विद हिम कि जनाब वो जो है जब एक ब्रिज फैमिली का बच्चा था, वहां एक प्रोजेक्ट हुआ था यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन के अंदर कि भाई बच्चों को जो एक्सेस दिया जाएगा मेन फ्रेम का, और वो चंद घंटों का एक्सेस होता था हर बच्चे के पास ओवर अ वीक। और उसके अंदर एक ऐसा जो है बग था कि अगर आप खास तरह से कोड डालेंगे तो वो आप वाले मेरे दे देगा एक्सेस। तो बिल गेट्स आपको बदल गया खाचा, तो उसने ये करना शुरू किया कि गो इन द नाइट, और सुबह तक जो है ना कंप्यूटर करता बैठा रहता था और सुबह आके सो जाता था और क्लासेस में सो रहा होता था, फैन होता था, लेकिन रात को कंप्यूटिंग कर रहा होता था। तो बाय द टाइम ही एक्चुअली लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट, उसके कोई 10,000 आवर्स लॉग इन हो चुके थे कंप्यूटिंग के अंदर। नाउ दिस वॉज एन एक्सीडेंट, यू नो टेक्निकली अलग एक फर्जी की जो भी था। तो वो अगर ना होता, उसको वो एक्सेस ना मिलता तो क्या होता। तो हम ये कह रहे हैं अपने इस पूरे फ्रेमवर्क के थ्रू कि ग्रेटनेस शुड नॉट बी एन एक्सेप्शन, इट शुड बी अ रूल। एक प्रोसेस होना चाहिए कि हर आदमी ग्रेटनेस, ठीक है एक आदमी मेहनत नहीं करता वो नहीं चलता तो अलग बात है, लेकिन उसके पास टूल्स तो होने चाहिए ना। अब 16-17 हजार लोग हमारे सेशन कर चुके हैं फॉर द लास्ट 9 ईयर डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म से, टाइम लेंडर्स के प्लेटफॉर्म से मे बी 8-9 हजार होंगे। इनडायरेक्टली और लोग पढ़ाते हैं, पर निशान पढ़ाते हैं, यू नो डॉक्टर इरफान हैदर पढ़ाते हैं, मेनी अदर पीपल टीच कॉपीराइट प्रोमोशन है। तो उसमें से हर आदमी थोड़ी कोई ग्रेट विजन बना रहा, लेकिन कम से कम मुझे तसल्ली है कि आपके पास एक फॉर्मूला तो है ना, यू हैव ए प्रोसेस। अगर आप करना चाहते हैं तो यू नो व्हाट टू डू, वेदर यू डू इट और यू डोंट डू इट दैट्स अप टू यू, बट एटलीस्ट यू हैव दैट प्रोसेस एज अपोज टू पीपल हैविंग नो नॉलेज एट ऑल कि क्या करना चाहिए लाइफ के साथ और किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए। Have I answered your question? Hey. Sir, accident चलो 1975 में हो गया, लेकिन उसके बाद 1975 से 2011 तक बिल गेट्स था, तो that does mean कि कुछ बदल कुछ तो था। बिल्कुल, क्योंकि स्टार्ट बहुत से स्टार्टअप्स 80-90% वो फेल हो जाते, तो फेसबुक भी नहीं थे हुई या और गूगल भी नहीं थे रनिंग पर, तो अभी तक उन्होंने कुछ जो काम किया है वो जाहिर बात है कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सही, मतलब ये कि बहुत से अच्छे आइडिया शुरू होते हैं फेल हो जाते हैं। डेफिनेटली बिल गेट्स जो लोग हैं केपेबल लोग हैं, दे वर्क वेरी हार्ड एंड स्टफ लाइक दिस एंड दे हैव बीन एबल टू डू दिस, लेकिन बहुत से और केपेबल लोग भी कर सकते थे, यानी
100 एंटरप्राइजेस और सेटअप हो सकती थी, वो भी सक्सेसफुल चल सकती थी, लेकिन वो इनिशियल विजन ना होने की वजह से वो उन्हें मिला ही नहीं मौका। हम ये कह रहे हैं यानी पाकिस्तान के अंदर कितनी आप देखें कि पोटेंशियल है लोगों के अंदर, लेकिन वो फ्रेमवर्क के एक्शन की वजह से अलॉर ऑफ पोटेंशियल बीइंग वेस्टेड। मैं देखता हूँ बहुत दफा, आप भी देखते हैं क्योंकि एक बंदा खेला चला रहा है, एक टॉप दस परसेंट आपसे बात करते हैं, लेकिन सेंस कितनी इसके अंदर इंटेलिजेंस है, कितना इसके अंदर जो है ना कैपेबिलिटी है, लेकिन उसको मौका नहीं मिला तो वो चीज आगे गई। अच्छा गुड, आइए और कोई क्वेश्चन है? मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा रिव्यू हो जाए पिछली क्लास का, देन वी कैन मूव इन टू द नेक्स्ट सेशन। कोई और सवाल है? अच्छा अब आ जाते हैं, डॉक्टर साहब ने जो हमने पोनीज की बात की थी, तो तीन पोनीज हैं कि लोग क्यों विजन रखना नहीं चाहते, तो विल यू स्पीक अबाउट दैट अ लिटिल बिट, कि पहला पोनी क्या है? ऑल इज फाइन। ऑल इज फाइन कितना टाइम रहा है डॉक्टर साहब ने? काफी टाइम रहा है। पहला पोनी क्या है? ऑल इज फाइन, कि सब अच्छा है, सब ठीक है। इसमें डॉक्टर साहब ने कौन सी कहानी सुनाई? कोई कहानी सुनाई? शादी वाली ना। अच्छा तो हम क्या कहते हैं कि ऑल इज एक्चुअली नॉट फाइन। दूसरा जो पोनी है वो है विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी गेट देयर। When it comes. और थर्ड पोनी है ऑल इज फेथ। ये जो ऑल इज फाइन है इसको थोड़ा सा मैं रिव्यू करूंगा और उसे एक कंक्लूजन में ड्रॉ करना चाहता हूं कि अच्छा एक तो खाली वाली कहानी सुनाई, और कौन सी कहानी उन्होंने सुनाई? यू गोइंग फ्रॉम टाउन टू डिफरेंट टाउन, वो वाली बात बताई थी कि आप फिर एक पॉइंट पे हैं और यू नो रोड गो टू डिफरेंट पॉइंट्स। सपोज आप लाहौर में हैं और आप कराची एक गांव से जाता है और इस्लामाबाद एक गांव से जाता है सपोज, और लाहौर से जो है वो कश्मीर जाता है, भूटान जाता है फॉर एग्जाम्पल। तो ऑल इज फाइन ये कहता है कि सिंस ऑल ऑफ द टाउन आर ओके, तो मैं डायरेक्शन के बगैर कहीं भी जाऊंगा तो मैं कहीं ना कहीं पहुंच ही जाऊंगा। तो चूंकि जो है मुझे डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, why do I need a vision? Because a vision gives us what? It gives us direction. और ये जो डॉक्टर निशान ने आपसे वो क्विज सॉरी क्वेश्चन करवाया था बाबर बिल्लू अहमद वाला, बाबर बिल्लू अहमद वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये था कि a vision gives us direction basically। अच्छा चूंकि ये ऑल इज फाइन तो हमें जो है वो डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, और जब हमें डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है तो व्हाई डू आई नीड डायरेक्शन? दिस इज व्हाट एक्चुअली गोज आउट इन द माइंड ऑफ पीपल। और हमने डॉक्टर साहब ने आपको ये कहा होगा कि देखें जिस तरह से एक रास्ता यहां जाता है कराची इस्लामाबाद कश्मीर या मुल्तान, तो उसका सफिशियंट एविडेंस क्या है? व्हाट इज एविडेंस कि यहां से रास्ता वहां जाता है? फोन करके पूछने वहां अनाउंस कर ले। अगर आपने यहाँ पूछा कि कराची में अनाउंसमेंट की क्या कोई लाहौर का है, और अगर आपके पास एक हाथ भी खड़ा हो गया कि मैं लाहौर से, उसका मतलब एक सफिशियंट एविडेंस है यहाँ से रास्ता आ जाता है, और यही एविडेंस आप दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से लाहौर से रास्ता कराची इस्लामाबाद कश्मीर उत्तान जाता है, इस तरह से रास्ते जो है वो हसूल भी जाता है ना, एक रास्ता जो है वो किडनी सेंटर भी जाता होगा, एक रास्ता जो है वो फैमिली ब्रेकडाउन लैंड भी जाता होगा,
डायरेक्शन क्योंकि अगर डायरेक्शन नहीं है और हम चलना शुरू करेंगे तो वहां एक रिस्क है, ऐसा ना हो कि हम यहां 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 पहुंच जाए, इज अ रिस्क, देयर इज अ रिस्क। अगर आप चलना शुरू कर दिया आपने और कुछ रास्ते ऐसी जगह पे जाते हैं जहां हमें जाना है और कुछ रास्ते ऐसी जगह पे जाते हैं जहां हमें नहीं जाना, तो देयर इज अ रिस्क आप उस जगह पहुंच जाए जहां आपको नहीं जाना। अगर खुदा ना खास वहां पहुंच गए तो अ लॉट टाइम इट इज टू लेट, अब यूटर्न नहीं मार सकेंगे, कुछ डैमेज इरिवर्सिबल हो जाएगा। मुझे याद है एक दफा हम ट्रेनिंग कर रहे थे हमारे सेशन में फिजिशियंस के कुछ रियाकत नेशनल हॉस्पिटल के, एक डॉक्टर साहब ने कहा कि देखें मेरे पास विजन नहीं था और मैं रैंडमली चला और चलते 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 सपोज मैं सावा पहुंच गया और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि बहुत इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, तो मैं तो सही पहुंच गया। वो कहना ही चाह रहे थे कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो उन्होंने कहा कि फिर मुझे डायरेक्शन की क्या जरूरत है, क्या जरूरत थी, इसका क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा? हाँ, इसका आंसर ये था, मैंने कहा डिड यू नॉट टेक अ रिस्क, कह रहे कि हाँ मैं खत्म होगी बात। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, मेरे पास ये मैंडेट नहीं है कि मैं आपको हाथ से पकड़कर जो है ना आपको खींचना शुरू कर दूं, ये तो मेरा मैंडेट नहीं है। इफ यू वॉन्ट टेक अ रिस्क ओके फाइन टेक अ रिस्क, अगर आप चाहते हैं आप समझते हैं रिस्क ले सकते हो, रिस्क ले रहे, लेकिन मैं ही कहता हूं कि देर इज अ रिस्क, क्योंकि आप वहां चले जाएंगे तो क्या होगा। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा राइटली सेट के भाई हालात में नहीं पहुंचे, वो कहीं और कहीं पहुंच सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि विदाउट ए डायरेक्शन वी आर एट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, उसमें एक साहब ने कहा कि नहीं सुलेमान साहब आपका सेंटेंस सही नहीं है, इसलिए कि आपको जो है आपने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी। क्या गलती होगी भाई, कहने लगे कि नहीं आप ये नहीं कह सकते विदाउट डायरेक्शन वी आर एट ए, बल्कि जो सही सेंटेंस है वो ये है कि विदाउट डायरेक्शन वी आर एट ए सीवियर रिस्क। अच्छा क्यों कैसे? उन्होंने कहा कि अगर आपका डायरेक्शन भी हो तो भी एक रिस्क तो हर जगह होता ही है, आपका अभी गाड़ी बिल्कुल सही है और आप गाड़ी लेके चलते हैं तो भी रिस्क तो है, आपको आके जो है वो हिट कर सकता है, कुछ हो सकता है, एज अपोज टू क्या ब्रेक्स ही नहीं और गाड़ी लेके चल रहे हैं, दैट्स अ सीवियर रिस्क। तो अगर आपका डायरेक्शन ही नहीं है तो यू आर अ सीवियर रिस्क, तो हम कहते हैं विदाउट डायरेक्शन वी आर अ सीवियर रिस्क। ये हमारे पूरे कोर्स का वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल कंक्लूजन है, इसके ऊपर बहुत सारी चीजों को बिल्ड कर रहे हैं कि विदाउट ए क्लियर विजन We are at a severe risk. और रिस्क ये है कि हम शायद ऐसी जगह पहुंच जाए जहां हम नहीं पहुंचना चाहते, और बहुत दफा not always it is usually very late. वो है ना एक शेर है वो जो लौट आए तो ना पूछना उन्हें देखना बड़े गौर से, वो जो लौट आए तो ना पूछना उन्हें देखना बड़े गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि रास्ता कोई और है। Life will not allow us too many U-turns. एक लेवल तक हम कर सकते हैं। अच्छा जनाब,
इसमें कोई क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा, एक स्टोरी है, डॉक्टर साहब ने किसी को स्टोरी सुनाई थी, कोई केस स्टडी बताई कि डिप्रेशन के बाद क्या हो जाता कभी कभी? नहीं? अच्छा, एक स्टोरी बताने में सुनाई एक स्टोरी है कि अगर उन्हें सुनाई तो बता दीजिए ताकि रिपीट ना हो। स्टोरी ये हुई कि एक दफा मैं ट्रेनिंग करता था, दिस इज ऑलमोस्ट 9 years ago। मैं ट्रेनिंग में एक बिजनेसमैन बैठे, बिजनेस कम्युनिटी के एक साथ थे। तो वो आए मुझे कहने लगे कि सुलेमान साहब आपका नेक्स्ट सेशन कब? तो मैंने कहा कि नेक्स्ट मंथ। कहने उसमें मुझे ना आप साइन अप करें। अच्छा, हमारा ये पॉलिसी है कि अगर किसी ने हमारे कोई वर्कशॉप या सेशन एक दफा कर लिया तो ही कैन ऑलवेज रिफ्रेश इट फॉर नो फी। हम फी चार्ज नहीं करते, जो उसको बेसिक कॉस्ट होती है होटल की या जो भी, वो कॉस्ट चार्ज करते हैं, फी चार्ज नहीं करते। लोग जो है हमारे सेशन रिपीटेडली रिफ्रेश करते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, आप मैंने कहा आप अगले महीने ना करें, इसलिए कि मटेरियल को रिवाइज होते हुए अपडेट होते हुए दो तीन चार महीने लगते हैं, फिर 4 महीने बाद कर लीजिएगा। कहते हैं अगले महीने करने, बहुत इंसिस्ट करने लगे। अच्छा, मैं उन्हें समझा रहा हूँ मत करना अगले महीने, और कहने में करना है और मैं फुल फी पे करके करूंगा। मैंने ये कोई बात नहीं हो तो नहीं, फीस ही नहीं है तो आप इतने फी भी पे करूंगा अगले महीने जाऊंगा। तो उन्होंने काफी सार किया है, फेल के मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो कहने लगे अच्छा, मैं आपके ऑफिस आता हूँ, आई लाइक टू शेयर विद यू स्टोरी। मैं श्योर, दो तीन दिन के बाद ऑफिस आए। अच्छा, आपने जो है ना कहीं इन तक पहुंच ना जाए भाई, लोगों को होता है तो प्लीज कॉन्फिडेंशियल रखने। बोली ना तेज होती, इधर कहानी सुनाई लास्ट सेमेस्टर तो खत्म आ गया कि ये जो कहानी आपने सुनाई थी ये आमदा की है ना? मैंने कहा भाई होश करें, मैंने कोई नाम नहीं बताया और जो है, और मैं ये कंफर्म डिनाई कर ही नहीं सकता, ये तो कॉन्फिडेंशियल है। कह नहीं, तो मैंने कहा आपको कैसा अंदाजा हो रहा है? कह नहीं, वो मेरी कजन है। तो मैंने कहा देखें, वो तो वो भी हो सकती है, कहानी तो मल्टीपल लोगों को फिट हो सकती है। तो बड़ा, तो मैंने बिल्कुल, मैं कहें अगर आपने, अच्छा मैं आगे बता दूंगा, मैंने देखिए जो भी करना है बता दें, लेकिन ये जो कहेंगे मैंने कोई नाम नहीं दिया तो कहना सर लोग जो है ना पहुंच जाते हैं, तो प्लीज आप कोशिश ना करें, इंसाफ रखना चाहिए। कहानी सुनाई, ये कहानी दिखता डॉक्टर साहब ने सुनाई। अच्छा, अब हुआ क्या कि वो दो तीन दिन बाद आए, कहने लगे देखें सुलेमान, बात असल में ये है कि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोर्स फिर करूंगा कि मुझे समझ नहीं आई, बल्कि एक्चुअली बहुत समझ आई, मुझे बहुत फायदा हुआ है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी वो थोड़ी सी और क्लैरिटी में चाहिए। आई वॉन्ट टू एक्चुअली कम बैक एंड रिफ्रेश इट, इसलिए मुझे बहुत फायदा हुआ है। और असल इशू ये है कि मेरे पास सिर्फ 12 साल टू लिव, और जो है मैं कोई वीकेंड ऑफ नहीं देता, मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करता। आई वॉन्ट टू मेक द मोस्ट ऑफ द 12 years दैट आई हैव। अब जाहिर है एक शख्स आपके 3 दिन सेशन में बैठा हो और वो आगे कहता है कि मेरे पास सिर्फ 12 साल है, तो अच्छा देखें पाकिस्तानी वैसे क्यूरियस होते हैं, हर इंसान क्यूरियस होता है, हम लोग ऐसा मशहूर है दुनिया भर में क्यूरियोसिटी, इसलिए भी मैं गुड इंजीनियर गुड साइंटिस्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप प्लेन के साथ बैठेंगे तो बड़ा टाइम प्लेन उतरता है 2 घंटे में, तो आपको ये भी पता होता है कि उनके नाना की और नानी की शादी क्यों हुई थी, और जो है उनके नाना की उन खातों से शादी क्यों नहीं हुई थी। मच गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द पर्सन। अच्छा जनाब, एनी वे तो मुझे क्यूरियोसिटी होना शुरू किया, क्या बात है? मैंने कहा अच्छा खैरियत क्या हो गया? कहने लगे कि क्या आप चाहते हैं कि मैं बताऊं? अच्छा एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद नहीं है, मुझे गिविंग योर समरी ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन। तो मैंने कहा बताएं। कह भाई बात असल में ये हुई कि आज से चंद साल पहले ये बात है कि जो मेरी एज 34-35 की थी, जो भी आराम दैट एज, मैं सऊदी अरेबिया में था और मुझे हाइपर टेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर है। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको चाहिए कि आप उसे कंट्रोल करें, कि पिल्स हैं वो आप लिया करें रोजाना। अगर ठीक है कि ब्लड प्रेशर है उसको कहते हैं द साइलेंट किलर। क्यों कहते हैं साइलेंट किलर, कौन बताएगा? साइलेंट किलर क्यों कहते हैं ब्लड प्रेशर को? इसलिए कि ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम्स मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होते, ना सर में दर्द, ना कुछ नहीं होता, ना यू हैव इट एंड यू डोंट इवन रियलाइज दैट यू हैव इट। इधर हमारा एक सेशन हो रहा था, उसमें सीनियर लोग थे काफी, तो मैं कहा कि भाई साइलेंट किलर होता है, कोई सिम्टम नहीं होते। तो जो उनकी लुक्स आई ना मुझे, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि लुक्स ये कह रही थी कि
लेकिन मैंने नहीं ऑनेस्टली कोई इसके सेंटर नहीं होते तो फिर कैसे लोग आई समझे ना। तो मैंने कहा देखें मैं कहा हो सकता है यहाँ 20-22 लोग बैठे हैं, हो सकता है कि आपके चंद लोगों को आपको ब्लड प्रेशर को पता भी ना हो ब्लड प्रेशर। फिर उन्होंने वही लुक दिया मुझे ना? अच्छा जना, मैं कहा ठीक है क्या ख्याल है कल मैं लेके आऊँ वो ब्लड प्रेशर का, मेरे पास है वो इंस्ट्रूमेंट ना इलेक्ट्रॉनिक होता है जो लगा लेते हैं आप आराम से, वो लेके आऊँ और आपका टेस्ट चेक करूँ। हाँ तो दूसरे ने लिया। अच्छा जनाब, और दूसरे दिन मैंने सबको जो है ना 20-22 लोगों को ना ब्लड प्रेशर चेक किया। हुआ क्या हुआ ये कि 20-22 लोगों में से 8 या 9 लोगों का, ये 7-8-9 लोगों का जो है वो हाई ब्लड प्रेशर चल रहा था, जिसमें से आधों को पता था कि हाई ब्लड प्रेशर है और बाकी जो 3-4 लोग थे ना उन्हें पता ही नहीं था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम दे रियलाइज कि उनके पास उनका ब्लड प्रेशर है। और उसमें एक साहब है और जो रिकॉर्ड भी हो रहा है माशा, तो उन्होंने मुझसे बड़ा इशारा किया कि हमें नाम से बताएंगे ताकि लोगों को फायदा हो। उनका नाम है अजहर साहब। अजहर साहब का चल रहा था 210/110। जिनको ब्लड प्रेशर का आइडिया है दिस इज एक्सट्रीमली हाई ब्लड प्रेशर, यानी 120/80 होना चाहिए वो टू। अच्छा अच्छा अच्छा, लोग बीच में जिनके ज्यादा आ रहा था वो कहते हैं नहीं नहीं आपकी जो है मशीन सही नहीं। जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजी में डिनायल। मैं कहता देखें अल्लाह का खौफ करें, आप कहें मशीन सही नहीं है, ये जो बाकी जो लीन और हेल्दी किस्म के लोग हैं ना स्लिम और लीन इस टाइप के लोग, इनका तो 120/80 बता रही है, 120/85 बता रही है, तो आपका ये जो क्यों ज्यादा बता रही है यार। नहीं नहीं ये जो इलेक्ट्रॉनिक होती है ना इतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती। मैं कहा नहीं एक्यूरेट चलो नहीं होगी, ये कम से कम इंडिकेटर तो दे रही है ना। अच्छा खैर जब इन्होंने इनका आया 210/110 तो मैंने कहा बेटा वाकई से नहीं बता रही नहीं तो वाकई, तो मैं सोचा कि यार एक रेंज के बाहर जो है ना ये भी बेचारी होम इंस्ट्रूमेंट नहीं बता रही होगी, नहीं मैं रेस्ट लेना चाहिए। तो मैं कहा यार मैं ऐसे समझता हूँ कि आपको ना अभी फौरन हॉस्पिटल चले जाएंगे। तो कहते हैं नहीं मैं तो कोई फील नहीं हो रहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो ब्लड प्रेशर है नहीं। और मैं कहा ठीक है नहीं होगा। तो कह रहे देखिए अभी ब्रेक होगी 1.5 घंटे बाद तो लंच की, तो उसमें चला जाता हूँ मैं। हाँ यार सब चले, आज तक मैं फील करता हूँ कि ये भी मेरी बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे उसी को तुमको रवाना करना चाहिए। खैर वो गए और लंच के बाद आए नहीं, समझ ना 1-1.5 घंटे बाद चलते जा रहे हैं। हुआ ही जैसे हॉस्पिटल पहुंचे वो फोन लिखा दिया ना इतना है। अच्छा लिखा के ना वो गोलियां देने फलाना करें स्टेबलाइज करें, वो तो बिल्कुल ही जो है ना वो तो पैरा शिफ्ट हो गया ना। और उनसे कहा था कहना कि ये जो आपका वेट है ना इसको आपको खैर बात कहना पड़ेगा, थोड़ा सा ओवर वेट है ना। मैंने कहा आप शीशे में देख के कह दीजिए अपने आपको बाय बाय वेट बुला फिर सर कह देना, इसे कहा मैनेज। एनी वे अल्लाह का फजल है, बड़े खुश हुए कि चलो यार पता चला। तो 2-3 महीने बाद मुलाकात हुई तो वो जस्ट अमेज्ड, पहचाने जा रहे थे कि 20 पाउंड वेट रिड्यूस कर चुके हैं। क्या हाल है मैंने यार सब सेट हो गया, बस 1-1.5 हफ्ता चलिए बोली है और मेरा पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है। रोजाना कोई 4-5 किलोमीटर जॉग करता हूँ, वजन गिरा लिया है, सब्जी खाता हूँ, सिंपल देता हूँ, चाय वाय बंद हो गई है, ये सब चीजें सेट हो गई हैं। बल्कि मुझे देख कर जो है वो तो मेरे दोस्तों ने जो है जॉगिंग एक्सरसाइज शुरू कर दी है, यहाँ तक इंडिया का भी जो है ना वो 5 पाउंड या 6 पाउंड के लिए ज्यादा तक वो साथ वॉक करती है। तो ये कहानी है साइलेंट किलर की। खैर इन्हें भी था। अब हुआ ये कि वही ब्लू बना, कभी गोली ली कभी गोली नहीं ली, होता है इंसान करता है। कह रहे कि उसके 2-3 साल के बाद कराची में कोई शादी की, कराची आया और जो है शादी में गया, जब वापस में आया तो ना वो वॉमिटिंग हुई है, वो इस तरह से हुआ। तो मैंने ये समझा कि फूड पॉइजनिंग हो गई हुई। कहने लगे कि वही पोलियो वाला नहीं जो करते थे, एक दो दिन में वो स्टेबलाइज नहीं हुआ, तो छुट्टियाँ होती नहीं है जो भी तबियत खराब हुई, तो किसी ने अभी डॉक्टर को दिखा लो ज्यादा हुई होगी फूड पॉइजनिंग। मैं डॉक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने भी कुछ टेस्ट वेस्ट के दिए, सब कुछ किए। अच्छा कुछ डॉक्टर जो है ना बहुत शार्प होते हैं माशा से, दुनिया भर में होते हैं। उन्होंने एक हमसे पूछ लिया कि ये बताएं कि आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं? तो कहते हैं अच्छा, तो क्या आप गोलियां लेते हैं रेगुलर? कह रहे हैं कि हाँ कभी लेता हूँ कभी से जाती हूँ। तो डॉक्टर ने कहा तो आप एक और टेस्ट करवा लो, केराटिनिन वो टेस्ट करवा, ये लिख दिया। खैर जो टेस्ट रिजल्ट्स आए फिर डॉक्टर ने देखा
कहा ओहो ऐसा लग रहा है कि पिछले चंद महीनों में एक या दो दफा आपका ब्लड प्रेशर स्पाइक कर गया है, बहुत बड़ा है और जिसकी वजह से ना आपकी किडनीज डैमेज हो गई और विद इन 4 मंथ्स यू विल बी ऑन डायलिसिस। और उन्होंने से कहा कि उस डॉक्टर की आप ये देखें कि इतनी जबरदस्त एक्यूरेट प्रिडिक्शन थी कि विद इन 4 मंथ्स आई वाज ऑन डायलिसिस, डायलिसिस शुरू हो गया और जो है किडनी फेल हो गई। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि अच्छा क्या करें, तो ट्रांसप्लांट होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि फिर ये हुआ कि मेरी एक बहन का मैच हो गया और किडनी जो है ट्रांसप्लांट हुआ SIUT सेंट इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन कराची में, वहां वो ट्रांसप्लांट हुआ। ट्रांसप्लांट होने के बाद विद इन 24 आवर्स बॉडी ने जो है वो किडनी रिजेक्ट, फिर बैक टू स्क्वायर वन, फिर जो है वो डायलिसिस शुरू हो गया। तो कह रहे कि फिर माशाल्लाह अल्लाह के फल से यू नो ही इज वेरी वेल्दी एंड ही कैन अफोर्ड ऑल ऑफ दिस। तो उन्होंने कहा हमने इंग्लैंड में 6 महीने बाद आपने बात किया और एक और बहन ने अपनी किडनी डोनेट की और वो ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुल हुआ इनिशियली और माशाल्लाह से वो चलता रहा और आफ्टर 6 मंथ्स या 4 मंथ्स बॉडी ने फिर रिजेक्ट कर दिया। अच्छा मेरी बात, उन्होंने कहा कि जब ट्रांसप्लांट करते हैं किडनी को तो जो किडनी होती है उसको रिमूव नहीं करते, वो वहीं रह जाती है, बल्कि दो किडनी और लगा देते हैं, दो किडनी लगा देते। तो मुझे कह रहे कि मेरे एक्चुअली 4 किडनी हैं मेरी बॉडी में, 2 मेरी और 1 मेरी बहन की, ये चलती एक भी नहीं है। उन्हें हैड दैट सेंस ऑफ ह्यूमर ऑल्सो, यहाँ पर सुना मतलब बड़ी बात है। अच्छा उनको तो ह्यूमरस लग रहा हो, नहीं तो बिल्कुल ही सिटी घूम गई ना, मतलब मैं तो सो शॉक, आप एक्सपेक्ट नहीं करते ना, हमें उन्हें बातें सुन रहा हूँ और कहने लगे कि अब वो यू नो आई एम बैक ऑन डायलिसिस। फिर कहने लगे कि हुआ ये कि किसी का अच्छा अब रिकॉर्ड ट्रांसप्लांट हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो एक डोनर किडनी मिल गई SIUT के अंदर, डेट भी सेट हो गई कि इस डेट को जो है वो ट्रांसप्लांट होगा। किसी ने उनसे कहा कि इस्लामाबाद के अंदर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब होते हैं, बना डॉक्टर सही था, ऑल्सो नेफ्रोलॉजिस्ट और काफी एक्सपर्ट हैं और वेरी रिलीजियस एंड वेरी यू नो एथिकल पर्सन। किसी ने कहा कि आप उनसे भी जो है एक सेकेंड एडवाइस दें। डॉक्टर सही था के पास आए, उन्होंने सारे टेस्ट किए, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आपका किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगा, लेकिन इशू है, इशू ये है कि जो आपका लिवर है वो सस्टेन नहीं कर सकता एक और ट्रांसप्लांट, इसलिए इतनी जो इम्यूनो सप्रेसिस देते हैं और मेडिसिन देते हैं लिवर जो है वो मैनेज ही कर सकेगा और देयर इज अ चांस कि लिवर फेल हो जाएगा। अब आप बताएं कि आप जो है अगर लिवर फेल हो गया तो विद इन ईयर और 2 ईयर उनको, अब आप बताएं कि आपको 2 साल जो है वो एक फंक्शन किडनी के साथ रहना है या आपको 10-12 साल रहना है डायलिसिस के साथ, तो क्या एक्सेप्ट किया होगा? डायलिसिस एक्सेप्ट कर लिया, देखो ठीक है डायलिसिस क्या है, तो अब मेरा डायलिसिस होता है, अब जनाब मैं तो अच्छा। तो उन्होंने पूछ लिया कि क्या आपने जो है आपने देखा था डायलिसिस होते थे? मैंने कहा नहीं। कहना आपको देखना है तो आप हमें क्या कहा होगा? हाँ देखना, क्या ठीक है मुझे कराची के लोगों ने पता है एक ना टब्बा डायलिसिस सेंटर फेडरल ब्रिगेड में, तो कहना वहां होता है तुम आ जाना और हर दूसरे तीसरे दिन होता है तो तुम आ जाना इस टाइम पे मिलता हूँ। खैर अब जब मैं एंटर हुआ हूँ तो मेरे ख्याल से कोई तकरीबन कोई 8-9 मशीन होंगी बड़ी बड़ी और वो मशीन चल रही है, काफी क्वाइट से कमरा है, AC लगे हुए हैं और लोग बिस्तरों पे लेटे हुए हैं और वो जो है वो ब्लड जा रहे हैं या नाजे ब्लड आ रहा है ना, वो तो पहले इंस्टेंस में ना आदमी के तो बिल्कुल सारी कह रहे हैं तोते हाथ हो जाए, तोते होती हैं तोते हाथ होते हैं क्योंकि एक भले इंप्रेशन होता है ना। अच्छा वो देखा था, अच्छा अब जाके बैठा हूँ स्पॉटेड है मैं शायद नेक्स्ट टाइम। अच्छा वो हम तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना, तो मशीन को पहले देखना शुरू कर देते हैं क्या पंप चल रहा है, फ्लाहा चल रहा है, तक 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 ठीक है मशीन चल रही है, उपलब्ध जा रहा है और मैं तो पूरी मशीन देख रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ और वाह वह बैठ गया है। अच्छा जनाब खैर कुछ बातचीत हुई, ये हुआ वो हुआ,
उसने बताया था वो, और जब वो तीन दिन तक जो है डायलिसिस नहीं होता तो बिल्कुल यूरिन नहीं आता उस शख्स को ना, तो जितना जो लिक्विड है वो एक्युमुलेट होता है बॉडी के अंदर, फिर उसकी डायलिसिस में वो लिक्विड जो है वहां से एक्सट्रैक्ट हो जाए। इसीलिए जो है वो पानी ज्यादा नहीं पी सकते डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, तो दिन में बस इतना सा पानी पीने की जा सकती है, पानी पियेंगे वो एक्युमुलेट होगा बॉडी के अंदर, हो गए बॉडी फ्लूइड बढ़ जाते हैं, फिर हार्ट के ऊपर उसके इम्पैक्ट आते हैं। खैर अब जो है अब मेरे जो है परेशानी शुरू। मैंने उनसे कहा कि इस सेंटर में कौन है, वे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, अब डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, शायद डॉक्टर हनीफ था नाम डॉक्टर हनीफ। मैंने कहा कि क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ क्या, हाँ वो अभी राउंड पे आएंगे तो मैं आपकी बात करा दूंगा। फिर वो राउंड पे आए तो मैंने कहा सलमान है मेरे दोस्त हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैंने कहा हाँ मैं राउंड का कंप्लीट कर लेता हूँ और जो है मैं आपके घंटे में आ जाए। अच्छा वो दोपहर का बहुत होने वाला था ना, अच्छा माशा जो लोगों ने स्लीप मैनेजमेंट कर लिया है तो जब आपको आदत हो जाएगी ना इंशाल्लाह कैलर की जल्दी उठने की, देन फिर वो आपकी आदत हो जाएगी, तो फिर क्या होगा कि आप कैलर नहीं करेंगे तो आपको परेशानी होगी। अच्छा मेरा प्रॉब्लम ये है कि जो मेरी आदत है ना, तो अगर मैं कोई परेशान हूँ और कैलर का टाइम हो तो कैलर के बगैर ना मेरा दिमाग चलता ही नहीं बिल्कुल। लाइक टू एक्चुअली मैं कहें पहले मैं कैलर कर दूँ ताकि ना कुछ दिमाग सेट, खैर बाहर क्या देगा वो ना मंजूर लेना और पेंट करें काम कर, तो और देखा कि साथ ना मंजी पड़ी। मैंने उनसे कहा कि इसमें मैं सो जाऊँ लेट जाऊँ, मैंने देखा मुझे देखा होगा कि हाँ बेचारे स्क्रीन आए तो कहाँ भाई तुम लेट तो मैं अगर लेट गया। अच्छा शुरुआत में मेरा बेनिफिट ये होता है कि आप कहीं भी ले सकते कहीं भी सो सकते हैं, मतलब कोई इशू नहीं होता, तो ये समझा एम्बुलेंस होगा उसको। अरे मैं पैंट में बैठेंगे ना तो आपके आँख खुलेगी ना ईडी एम्बुलेंस के अंदर कि इसको हार्ट अटैक हुआ होगा, तो पैंट शुरुआत में बहुत सारे बेनिफिट थे ना वहाँ तो देर गए। अच्छा अब जो है वो उसको उठा आधे घंटे पैरलल हुआ, अब दिमाग को सेट हुआ, अब मैं गया डॉक्टर हनीफ के पास। अच्छा और जाके मैंने उनसे अस्सलाम वालेकुम कहा, मैं डॉक्टर साहब को मैं ये चाहता हूँ कि ना आप मेरे ना किडनी के टेस्ट करवा, ऐसा लग रहा है कि मेरी किडनी में कुछ हो रहा है। जब वो समझ गए कि यार ये जो बुल्लू है मतलब बुल्लू के लगते हैं मतलब ये जो बहुत परेशान हो गया रहा है, कह रहे आप परेशान लग रहे हैं बैठे से नहीं, और कह नहीं मैं कह नहीं वो टेस्ट जो होता है ना वो आप करवा दें तो कभी देखना हो उसको परेशान हो। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ फिर मैं बताता हूँ टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने मुझसे कोई चार पांच क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन नंबर वन, आप स्मोकिंग तो नहीं करते? मैं कह नहीं। क्वेश्चन नंबर टू ये था कि आप जो है यू नो पानी पीते हैं प्रॉपरली? मैंने कहा। क्वेश्चन नंबर थ्री, आप एक्सरसाइज करते हैं? मैंने कहा हाँ। क्वेश्चन नंबर फोर ये था कि आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं? मैंने कहा नहीं। और क्वेश्चन नंबर फाइव ये था कि आप अल्कोहल तो यूज नहीं करते? मैंने ख्याल आया कि दूसरे सवाल है, मैंने कहा चलो प्रोफेशनल है ना ही हैज टू आस्क, खैर मैंने कहा नहीं करते, मैं नहीं करता। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप ये पांच काम नहीं करते तो फिर आपको कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है और ना आपको कभी मेरा चेहरा देखने की जरूरत होगी। अगर आप ये पांच चीजें मेंटेन करते हैं, नहीं आपको ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, आपको जो है आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, आपको अल्कोहल यूज नहीं करना चाहिए, आपको पानी पीना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, अगर आप ये पांच काम करते हैं तो फिर आपको परेशान नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जो किडनीज हैं वो बहुत रोबस्ट ऑर्गन्स हैं, वो आराम से फेल नहीं होते। तो उन्होंने कहा कि बहुत ऐसा होता है कि हम किसी और रीजन की वजह से सर्जरी करते हैं, फिर एब्डोमिनल कैविटी खोलते हैं तो पता चलता है कि जनाब वो तो बड़े ऐसे से किडनी फेल हुई थी, बंदे बताए चल रहा है। कई बार चलता है कि 50% फेल हुई हुई है, 30% उसी फेल हुई है, लेकिन बॉडी जो है वो एक किडनी पर बॉडी चलती है तो उसको पता ही चलता, बंदे इंतकाल भी जाता होगा तो पता ही चलता होगा। तो किडनी से अल्लाह सुनाता है इतने रोबस्ट ऑर्गन बनाए हैं कि इतने आराम से फेल नहीं होते, अंडरवेल्स की आपको बहुत इंजरी हो जाए तो पता ना बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो ऐसी चीज हो जाए तो अगर बात है अदरवाइज देखो फेल, तो आपको आने की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि इस स्टोरी के अंदर उन्होंने क्या किया, बेबी उन्होंने मुझे एक विजन दिया था, यानी विजन मेरा एक तो मेरा विजन ही बन गया कि यार मेरी किडनी फेल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मुझे एक स्ट्रैटेजी ये दी कि अगर आपका ये विजन है कि आपकी किडनी फेल नहीं होनी चाहिए तो आपको ये पांच चीजें करनी चाहिए, एंड एज लॉन्ग एज यू डू दैट यू आर फाइन। वो देव आज के दिन है, इस बात को हो गए करीबन 8 साल 9 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहना आदमी घबरा जाता है ना, परेशान बदहाल हो जाता है, तो मेरी ना एक्सरसाइज में वैसे ही करता हूँ, वेदर आई ट्रैवल वेदर आई एम एट होम, ठीक है कभी दो चार दिन आगे पीछे हो जाता है,
लेकिन आज बहुत मोर टू मिस माई एक्सरसाइज। और हम तो स्मोकिंग वाला तो थी नहीं, और ब्लड प्रेशर के मैंने क्या कि मैंने आला खरीद लिया। अब हम तो ब्लड प्रेशर नहीं है, आई जस्ट वांट टू इंश्योर पेन जो है ना वो आई डोंट वांट टू गोइंग टुवर्ड्स इट, आई डोंट इवन रियलाइज। तो मैं करता रहता चेक, नॉर्मल आता है, तसल्ली आती है। तो कहने का मतलब ये था कि एक विजन की क्लैरिटी आई, कॉन्क्रीटनेस आ गई कि हाँ भाई ये है और इसके साथ ये है। अदरवाइज हम भी दिलों के तक लगते हैं। सो इफ यू डू नॉट हैव अ विजन, यू डू नॉट हैव अ डायरेक्शन, एंड यू डू नॉट हैव अ डायरेक्शन, यू आर और वी आर एट सीवियर रिस्क। उस केस में क्या हुआ कि वो साहब एक रिस्क पे थे और वो रिस्क जो है वो मटेरियलाइज हो गए। अब आप मुझे बताइए कि क्या आसान काम है हर दूसरे दिन तीसरे दिन डायलिसिस होना एंड नोइंग दैट यू आर गोइंग टू डाई, उनके जो फैमिली है दे आर सीइंग द वाइफ सीइंग द हस्बैंड और द चाइल्ड सीइंग द फादर डाई, इट्स वेरी पेनफुल। खुद की जाए चैलेंज है, फैमिली को भी चैलेंज हुआ। फिर मैं कुछ दिन पार पाता है, मेरा हाथ हुई और जब ये पता चला कि पानी नहीं पी सकते, इतनी सख्त गर्मी थी और जो है ना वो तो मतलब मैं सोचा कहने लगी बस मैं क्या करता हूँ, चिल्ड पानी लेके आता हूँ घर से, वेरी चिल्ड, और इतना पानी जो है ना पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा पीता हूँ। मेरा प्यास तो लगती है इंसान को उसमें, और मुझे उस दिन ख्याल आया कि ओ माय गॉड, हम सोचते नहीं है कि पानी कितनी बड़ी नेमत है, और हम जो है कुछ लोग ऐसे हैं कि पानी भी नहीं पी सकते। उस दिन आगे मैंने अपनी बेगम को बताया कि जी ऐसा ऐसा हुआ है, तो उस दिन हम इतने दोनों घबराए रहे थे, मैं और मेरी अहलिया, कि ओ उस दिन इतना पानी पीना हमें आपसे बात की ये भी कि देखा जाएगा, होगा तो देख लेंगे। पता नहीं आप लोगों को क्या जो है लंग्स के बच्चों को परेशानी होगी, बेटा तुमको बिजनेस बिजनेस हो जाएगा, तुम्हें ग्रेजुएट तो करो ना यार, फिर पहले ग्रेजुएट कर लो, शादी हो जाएगी फिर सोचना। अभी से पता नहीं विजन 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 कभी टेंशन अब तो वेट से आ रहे, वेट तो सही नहीं आ रहे, तो विजन ही पड़ी गई। मतलब ये तुम्हारे दिमाग में पोनी डाल दिया, कौन है डॉक्टर जी शाम चले कहा ये जो है ना, ये जो है ना पोनी चल रहा होता, देख लेंगे देख ले, क्या देख लेंगे, हो सकते लीन हो जाए। तो उसका जो सिंपल सा जो एक डायग्राम बनाते हैं कि भाई आप कहते हैं कि जनाब ब्रिज है, आप इस पॉइंट पे हैं, जो कॉज ऑफ ब्रिज बैठ का आप आते हैं और ब्रिज होता ही नहीं, फिर अब यू जाना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, बेहतर ही था अब यू जाते। अभी क्वेश्चन आपके ध्यान के अंदर कहना कैसा पता चल रहा है कि ब्रिज है या नहीं है, इसका जवाब यह है कि हजारों सालों से इंसान हैं और हमारे पास इतनी नॉलेज है, इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि उस नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर बहुत सारी चीजें हम अभी से बैठ के समझ सकते हैं होने वाला है। ये तो स्टुपिडिटी है कि हम हर चीज हार्ड वे से सीखना चाहते हैं। वी शुड बी एबल टू लुक थ्रू दैट नॉलेज कि भाई आगे क्या हो सकता है, और उसको पहले से आप उसका वो करते हैं, प्रिकॉशन देते हैं, आप उसको स्ट्रेटेजाइज करते हैं। जो पोनी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि देखिए बिकॉज ऑफ ब्रिज व्हेन इट कम्स कुछ केसेस में अप्लाई करता भी है, इसका ख्याल रखें कि ये स्ट्रैटेजी में अप्लाई करता है लेकिन ये जो है वो विजन पे अप्लाई नहीं करता। क्या मिसाल है इसकी कि सपोज करें कि मुझे पैकिंग करनी है, और जो है मैं एक टाउन है सपोज गलगित, वहां से निकलता हूं, अच्छा मैं जाऊंगा एक पॉइंट पे, एक जीप ट्रैक शुरू होगा, वही पॉइंट पे आएगा, उसके बाद आगे ट्रैक शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक पॉइंट आएगा कि वहां मतलब तीन पीक्स हैं, 1, 2 एंड 3, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां से फिर आप यू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, फिर यहां बेस कैंप्स आएंगे, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी डी ई एफ एंड जी। अब आप मुझे बताएं कि किस पीक पे जाना है, ये डिसीजन आपको किस पॉइंट पे करना चाहिए, किस पॉइंट पे करना चाहिए, ए पे करना चाहिए,
स्पीड पे आपको जो है म्यूल की जरूरत हो सामान लेके जाने के लिए, तो ये डिसीजन तो आप पॉइंट ए पे करेंगे ना कि आपको वेरिएंट कौन सी पीक को स्केल करने का है। ये तो नहीं हो सकता कि मैं यहां पहुंचे तो चलिए मैं पीक वन पे चलता हूं और मेरे पर होप्स ही ना हो, यहां पहुंचे सोचो कि मेरे दो पे जाने और ऑक्सीजन ही ना हो। तो हमने यही बैठ कर डिसाइड करना चाहिए कि कौन सी पीक पे जाना है। तो विजन के लिए विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स अप्लाई नहीं करता, इट्स वेरी डेंजरस, इट्स अ पोनी। हाँ अप्लाई कहां करता है, सपोज मैं डिसाइड करता हूं मुझे इस पीक पे जाना है और मैं चलना शुरू करता हूं और इस पॉइंट पे आकर आई कैन टेक टू वेज, आई कैन गो दिस वे, इस वे से जा सकता हूं, इस वे से जा सकता हूं। और ये डिसीजन कि कौन से फेस से जाना है डिपेंड करता है उस दिन के वेदर कंडीशन है, विंड डायरेक्शन है, फॉग है, उन चीजों पर डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा विजिबिलिटी है। जिन लोगों ट्रैकिंग किया वो पता है कभी कभी जो है वो बादल आएगा वो वहां चंद दिन रहेगा, यू नो कैप हो जाता है बादल, विजिबिलिटी नहीं है, नजर ही नहीं आ रहा। तो ये डिसीजन कि फेस वन या फेस टू लेना है, दिस इज अ स्ट्रैटेजी डिसीजन जो कि आपको उसी पॉइंट पे करना है, इस पॉइंट पे। तो आगे कहते हैं कि वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, उस पॉइंट पे हम देखेंगे ना हमें क्या करना है। हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्पोर्ट्स में पहले हम एक विजन बना लेते हैं ना ये करना है, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रैटेजी होती है तो अनफोल्ड होती है जब गेम शुरू होती है। तो ये जो है कोनी है, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, इसमें कोई क्वेश्चन है, वेदर था या नहीं था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका विजन ये बन जाता है कि भाई मैंने जाके मिडिल ईस्ट में काम करना है, सपोज लॉन्ग टर्म इन 20 इयर्स आई वांट टू सी मायसेल्फ इन मिडिल ईस्ट, तो यू शुड बी लर्निंग अरबिक राइट नाउ। हो सकता है कि लंच के अंदर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आप एक अरबिक सीख सकें, और लंच में नहीं मिलती तो उसे लंच के बाहर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तभी से आपने अरबिक सीखना शुरू की। वो टाइम जो है कि जो आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे थे वो टाइम आपको अरबिक में लगाना चाहिए था, तो बाय द टाइम आप वहां पहुंचेंगे तो यू नो यू हैव अ लैंग्वेज। मिडिल ईस्ट के अंदर तो बहुत इश्यूज आ जाते हैं अरबिक के नाम होने की वजह से। ये पॉइंट क्लियर हो? एक एग्जाम्पल देता हूं, स्टोरी है कि मैं कंसल्टिंग करने के ग्रुप के साथ तो मैंने उनसे पूछा पहली मीटिंग थी कंसल्टिंग शुरू हुई, वेरी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, अच्छा खैर उनका इश्यूज थे, तो मैंने उनसे पूछा ये बताइए कि वेयर डू यू वांट टू सी योर कंपनी द नेक्स्ट 3 जनरेशन। तो आप खैर क्या जवाब दिया होगा उन्होंने, क्या कहा होगा? सोचा ही नहीं, एक्चुअल कहने ही नहीं, तो हमने सोचा ही कह रहे हमें, तो हमने तो ये सोचा था कि आप आएंगे और हमारा 5 ईयर का प्लान बना के हेल्प करेंगे। 5 ईयर का प्लान बनाने में तो हेल्प करूंगा मैं, तो ये तो बताएं कि आपको 3 जनरेशन में कहां देखना है अपने आप को, तो नहीं सोचा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा ये बताइए वुड यू लाइक टू सी योर कंपनी अराउंड फॉर 3 जनरेशन, तो क्या जवाब दिया होगा? यस। तो मैंने कहा व्हेन यू वांट टू सी योर कंपनी अराउंड फॉर 3 जनरेशन इज इट नॉट fair for me to ask you what shape and form you want to see it around, bola aap kis shape aur form mein dekhna chahte hain? ye ha fir main usse samjhane ki koshish ki ke dekhenge aap mujhe, main aapse kehta hu ki bhai main ek 100 kilometers ya 1000 kilometer ke safar pe ja raha hu, mujhe 200 kilometer pe kahan rukna chahiye, to aap question usse kya puchenge? अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं 1000 किलोमीटर के सफर पर जा रहा हूं, आप मुझे बताइए कि मुझे 200 किलोमीटर पे कहां रुकना चाहिए, तो आप मुझसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, आप कहां जा रहे हैं? क्योंकि अगर मैं 1000 किलोमीटर का अगर वो बताता हूं तो आई कुड बी गोइंग एनीवेयर ना। आप मुझे कहते हैं, अगर मैं कहता हूं मैं जा रहा हूं सपोज कहें काबुल, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे काबुल जाना है तो आप कहेंगे ना कि टूवर्ड्स पिशावर आप जाए, मैं कहता हूँ नहीं साउथ जाए कराची की तरफ, आप कहते हैं मुल्तान की तरफ आप जाए, और मैं कहता हूँ मुझे जो है वो अल्लाहनगर ईस्ट जाना है, यू नो इंडिया की तरफ जाना है, तो आप कहेंगे अमृतसर जाओ। तो जो पॉइंट आप कहेंगे तो उस हिसाब से हम मालूम कर सकेंगे ना ये पॉइंट कौन सा होगा। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप मुझे अपना लॉन्ग टर्म विजन बताएंगे तो मैं बताऊंगा 5 साल आपको कहां होना चाहिए,
इसलिए कहते हैं कि 5 साल से ज्यादा वाइज ये है कि 10 साल का पेशेंट हो, 10 साल ज्यादा वाइज क्या है 20 साल का हो, 20 साल ज्यादा वाइज क्या है 30 साल का हो। तो इसलिए हम एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टीमेट विजन। अल्टीमेट विजन क्या है? अल्टीमेट विजन ये है कि अ विजन विच इज नॉट अकम्प्लिश्ड विल रिमेन रेलेवेंट विद एनी पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड एन अल्टीमेट विजन। आपके जो पोस्ट पैक है उसके अंदर ये है, आपका ये किस कलर में आगे खत्म हुए तो उन्होंने आपको देना रोमांटिक सा कलर दिया। कौन सा पेज है? थर्टी वन में देखें, अ विजन विच इज नॉट अकम्प्लिश्ड मींस रेलेवेंट एट एनी पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड एन अल्टीमेट विजन। एन अल्टीमेट विजन हैज हाई लुसिडिटी बट वेरी लो कॉम्प्लीटनेस। इसमें मैं आता हूं इन सिंपल वर्ड्स कि कितना फार्देस्ट आप देख सकते हैं। मे बी नॉट बेस्ड ऑन योर पर्सनल नॉलेज, मे बी बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट इज अवेलेबल इन द वर्ल्ड, कितना दूर आप देख सकते हैं और पैसेज ऑफ टाइम से वो इरेलेवेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि जी मुझे अल्लाह को राजी करना। फॉर एग्जाम्पल दिस फिट्स इनटू एन अल्टीमेट विजन डेफिनेशन, क्योंकि 100 साल बाद ये रेलेवेंट रहेगा, 500 साल के बाद ये बात रेलेवेंट रहेगी। कोई एग्जाम्पल है कि कंसल्टिंग में जो है मैंने उनसे पूछा कि आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, तो उन्होंने कहा वी वांट टू बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ स्टील बार्स इन पाकिस्तान। तो ये जो विजन है क्या ये अल्टीमेट विजन डेफिनेशन पे आता है? नहीं। मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इफ स्टील बार जो है वो इस्तेमाल ही ना हो रहे हो तो बिल्डिंग मटेरियल की कंस्ट्रक्शन के अंदर स्टील बार ना इस्तेमाल हो तो कॉम्पोजिट मटेरियल आ रहे। आज से 100-150 साल पहले स्टील तो इस्तेमाल नहीं होता था कंस्ट्रक्शन के अंदर, है ना? क्या होना चाहिए? मैंने भी फॉर एग्जाम्पल यू कह सकते हैं यू वॉन्ट टू बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ बिल्डिंग मटीरियल इन दिस रीजन, दैट्स समथिंग दैट्स लॉन्ग टर्म। देखिए लोगों को क्वेश्चन की जरूरत तो हमेशा रहेगी, तो कोई ना कोई मटेरियल तो इस्तेमाल होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि 100 साल के बाद हम सबके जो है वो कहते हैं रीछ की तरह से बाल निकल आए और भालू बन जाए और सर्दी की पड़े ना और सब भाग सो गए, ऐसा तो नहीं होगा ना। हम तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, तो विल रिमेन द वे वी आर, तो हमें शर्तों की जरूरत तो पड़ती रहेगी ना। तो दैट्स मोर लाइक एन अल्टीमेट विजन। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसको कहते हैं अल्टीमेट विजन। और अल्टीमेट विजन से फिर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने शॉर्ट टर्म विजन। इस पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रही? तो ये आपका अल्टीमेट विजन सपोज है बहुत लॉन्ग टर्म, फिर उससे आप एक्सट्रैक्ट करते हैं इंटरमीडिएट विजन। इसको कहते हैं आईवी सपोज 75। 75 ईयर्स में आप कहां देखना चाहते हैं? फिर आते हैं आईवी से 50, फिर इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम आईवी 25, फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं हम आईवी 10, फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं आईवी 5, फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं आईवी करंट ईयर। तो एक कैस्केडिंग इंटरमीडिएट विजन से आप नीचे आ रहे हो, एंड यू नो दैट दिस इज लिंक्ड विद दिस अल्टीमेट विजन। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, दे यू लिंक टू दैट आई। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू अचीव द अल्टीमेट विजन? गुड क्वेश्चन। उसका आंसर ये है कि अल्टीमेट विजन जो है वो इतना लॉन्ग टर्म होता है
कि वो आप अपनी लाइफ टाइम में अचीव कर ही नहीं सकते। इफ देयर इज समथिंग दैट यू कैन अचीव इन योर लाइफ टाइम तो वो तो क्वालिफाई नहीं करता यूजली एज एन ऑपरेटर। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि बियॉन्ड 75 इयर्स बियॉन्ड 100 इयर्स बाकी तो लाइफ इतनी होगी नहीं। रिलैक्स यू विल गो बाय दैट टाइम तो आप देख कुछ ना कुछ डेवलप कर लोगे ना मेडल गोइंग बता रहे ठीक है। हाँ इंटरमीडिएट पेशेंट है ना वो आप उसको अकम्प्लिश करते रहते हैं। इसके अंदर रूल क्या होता है कि एक अल्टीमेट विजन है जो आपके पोस्ट पैक में लिखा हुआ है इसकी लुसिडिटी होनी चाहिए वेरी हाई। लुसिडिटी का थोड़ा सा बताई थी इट इज दी आर्टिकुलेशन हाउ यू आर्टिकुलेट योर विजन कि आपने यानी लुसिडिटी लो नहीं होनी चाहिए यानी ऐसा ना हो कि आप कुछ कह रहे हो सामने वाले को समझ ही ना आ रहा हो। आर्टिकुलेशन शुड बी वेरी हाई बट द कॉन्क्रीटनेस शुड बी वॉट लो। कॉन्क्रीटनेस लो होनी चाहिए यानी उसके अंदर क्वांटिफायबल एलिमेंट जो है वो बहुत कम होना चाहिए। फिर जैसे सर नीचे आते हैं लुसिडिटी हायर होनी चाहिए और कॉन्क्रीटनेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी चाहिए। फिर आप आए लुसिडिटी हायर रही कॉन्क्रीटनेस और बढ़ी करते 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 लुसिडिटी हायर रही और कॉन्क्रीटनेस नीचे थोड़ा होनी चाहिए। तो अगर बाबर बिल्लू अहमद वाला जो केस उठा के देखें तो सजा कॉन्क्रीटनेस तो शॉर्ट टर्म के अंदर दैट्स द केस ये केस होना चाहिए लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर कॉन्क्रीटनेस कम होनी चाहिए। क्वेश्चन आता है क्यों? इसलिए कि अगर आपने अल्टीमेट विजन जो कि आपका एंकर है जिससे हर चीज लगी हुई है अगर आपने अपने अल्टीमेट विजन के अंदर कॉन्क्रीटनेस बढ़ा दी तो थोड़ी सी चेंज ऑफ रियलिटी की वजह से आपको अल्टीमेट विजन बदलना पड़ेगा और आपको एंकर ही बदलना पड़ेगा। And everything is going to get disturbed. There is one thing you don't want to move. For example, ये कहना है कि long term में ये कहना कि जी I'll be jogging in the next 50 years I should be jogging 5 kilometers a day. वही 50 years के बाद उसे करना ना करे ताली ना आए फिर जॉब तो नहीं कर सकते एक आदमी। हाँ ये कह सकता है कि you know, I would like to have a health which is you know I want to be healthy and I would like to be enjoying the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. Whether you have legs or you don't have legs, you can still enjoy the bounties that are available to you. So long term ke andar completeness kam honi chahiye. Yani jo billu ka statement hai good health, long term it's fine. Lekin short term mein completeness badhni chahiye. Kyun? Isliye ki aapko life mein direction लुसिडिटी से नहीं मिलता आपको लाइफ के अंदर डायरेक्शन कॉन्क्रीटनेस से मिलता है। इसलिए आपने देखा था कि बिल्लू के पास जो है डायरेक्शन नहीं था अहमद के पास डायरेक्शन था और डॉक्टर हनीफ जो थे उन्होंने मुझे डायरेक्शन दे दिया ना कि भाई हमें 5 काम करने हैं इफ यू वॉन्ट कि आपके किडनी के ऊपर इम्पैक्ट ना आए। चेकलिस्ट है ना इट्स अ वेरी कॉन्क्रीट चेकलिस्ट that I can actually measure and see कि यार देखो कि ब्लड प्रेशर तो नहीं हो रहा एक्सरसाइज हो रही है पानी मैं पी रहा हूँ एल्कोहल और जो सिगरेट को मैं टोबैको को यूज नहीं कर रहा हूँ। सिंपल सी चेकलिस्ट है। अब इस कमरे में भी अगर कोई आई एम श्योर कोई नहीं स्मोकिंग करता हो लेकिन कोई स्मोकिंग करता भी हो तो एक क्लिक एक फ्लैग खड़ा हो जाना चाहिए कि यार लेकिन दो ही तो है ना किडनी तो 4-5-6 साल होती तो बात थी एक दो निकल के तो 4 बज गए ना है ही दो रह देगा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब गलती क्या होती है दो एक्सट्रीम्स हैं। पहला एक्सट्रीम क्या है कि बहुत लॉन्ग टर्म विजन के अंदर इतनी कॉन्क्रीटनेस बढ़ा दी है कि थोड़ी सी रियलिटी चेंज होती है वो अनरियलिस्टिक पहली कोई गलती करते हैं लोग। और दूसरे एक्सट्रीम क्या होते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर कॉन्क्रीटनेस है ही नहीं यानी आप लॉन्ग टर्म में क्या लेके जाते हैं गुड हेल्थ वेरी नाइस चलो एक्सेप्टेबल है 50 साल में गुड हेल्थ मान लिया 25 ईयर में गुड हेल्थ गुड हेल्थ गुड हेल्थ 30 ईयर में गुड हेल्थ माशाल्लाह वेलकम टू बिलू लैंड। और लॉन्ग टर्म एग्जाम ने कहा ना कि मैं मेरा तो विजन बहुत क्लियर है मैं क्या कहते हैं कि मुझे जाना
फैंटास्टिक परफेक्ट विजन, ये बताएं कि नेक्स्ट 50 ईयर में कहां जाना जन्नत, चलो ये सही है मान लिया, 25 ईयर्स में जन्नत जाना, और फिर आते क्या नीचे ना, एक साल के बाद कहां जाना है, जन्नत में जाना पहुंच गया भाई, ये तो बिल्कुल है भाई, बताओ कौन भाई क्वान्टिफाई तो करूंगा ना, कॉन्क्रीटनेस तो लेके आओ, क्या मतलब है जन्नत का, साल के अंदर में क्या करोगे, क्या अपनी फैमिली बिजनेस के अंदर से इंटरेस्ट निकालेंगे, अभी कॉन्क्रीटनेस है, 5 बजे की नमाज शुरू हो जाएगी, तजू शुरू हो जाएगी है ना, और बिल्कुल पना खत्म हो जाएगा है ना, SMS जो है वो 20% कम कर दूंगा, चैट जो है 30% कम हो जाएगी है ना, भाई से या बहन से जो है वो हफ्ते में एक दफा लड़ूंगा, जो भी है पंजे नहीं मारूंगा, जो भी मतलब कोई तो हाफ कॉन्क्रीट तो लगाए ना भाई, तब तो जाने की बात हो ना, बिकॉज इफ यू कैन नॉट, सिक्स सिग्मा एक टूल है मैनेजमेंट का, पर्टिकुलरली प्रोसेस के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, तो उसके एक एक्सपर्ट है, उन्होंने भाई वीडियो बाद में बताई, उन्होंने कहा सुलेमान इफ यू कैन नॉट मेजर समथिंग यू कैन नॉट इम्प्रूव इट, अगर आप मेजर नहीं कर सकते किसी चीज का आप इम्प्रूव ही नहीं कर सकते, हाउ डू नो वेयर यू आर, अल्लाह सुब्हानहू ने कुरान में फरमाया कि जिक्रन कसीरा बहुत जिक्र करो, ये उसे छोड़ नहीं दिया, मैं 5 बजे की नमाज भी दी, तहज्जुद भी मिली, फिर जो चाश्त है, अवाबीन है, इशराक की नमाज है, ये सारे के सारे एक मेजरमेंट के टूल्स है ना, अब आप पता है 5 बजे की नमाज हो रही तो ये फाइन, एक बार मिस कर रहे हैं तो अब आप एयरलाइन के नीचे हैं है ना, अब आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो जनाब आप शामिल पढ़ रहे हैं, देर इज अ वे टू मेजर, वो दीन में भी है वो बाकी जगहों पर भी देखते हैं, ये पॉइंट हुआ कि दो एक्सट्रीम्स हैं और हमें जो है, अच्छा अब क्या है कि जो हम कहते हैं कि क्लैरिटी क्या है, अ विजन हैविंग हाई लुसिडिटी एंड अप्रोप्रिएट कॉन्क्रीटनेस, हाई लुसिडिटी का मतलब यह है कि हर विजन के अंदर लुसिडिटी हाई होनी चाहिए और कॉन्क्रीटनेस अप्रोप्रिएट होनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर एट, अब सवाल रहने में आता है कि भाई अगर मैंने विजन बना दिया हेल्थ के अंदर या विजन बना दिया अपने प्रोफेशन के अंदर तो कैसा पता चलेगा कॉन्क्रीटनेस अप्रोप्रिएट है या नहीं है, उसका आंसर सिंपली ये है कि उस एरिया का जो एक्सपर्ट है आप उससे पूछेंगे और वो एक्सपर्ट आपको बताएगा कि जनाब ये प्रॉपर कॉन्क्रीटनेस है उस एरिया की, और जो विजन जो है वो लिंक्ड होगा अल्टीमेट विजन के साथ और जो स्ट्रैटेजी लिंक्ड होगी अल्टीमेट विजन के साथ वो उतनी ज्यादा वाइज होगी, और जितना आप शॉर्ट टर्म के साथ लिंक करेंगे उतना ज्यादा वन वाइज होगा उतना ठीक है ना, तो यहां पे मैं पॉज करता हूं, इज दिस दिस पॉइंट्स क्लियर, दिस रिवीजन भी है थोड़ा सा उसको वो करना, अच्छा जनाब आगे चले, आज एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ये करना चाहता था कि हाँ बोल ऑल स्टेट, हाँ ऑल स्टेट तो आगे आ रहा है, बड़ा पूरी कास्ट के लिए फुल सेशन है ऑल स्टेट, वी विल डिस्कस दैट, ये तो पॉइंट क्लियर हो गया ना कि ऑल इज फाइन एक कोनी है, ऑल इज नॉट फाइन वी नीड टू हैव अ विजन, और उसने निकाल दिया विदाउट अ विजन वी हैव अ सीवियर रिस्क, और ये स्टोरी मैं आपको सुना दी वो किडनी फेलियर वाली, और जो दूसरा पॉइंट था तो वी क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम अगेन दैट्स अ पोनी वी नीड टू हैव एन अल्टीमेट विजन एंड फ्रॉम दैट अल्टीमेट विजन वी नीड टू ब्रेक इट डाउन, गुड क्वेश्चन, उसका आंसर ये है, अब उसका आंसर आ रहा है, अब आ रहा है कि देखें अटेनेबिलिटी क्या होनी चाहिए, मेरे विजन के अंदर कॉन्क्रीटनेस लेवल्स क्या होने चाहिए, ठीक है मेरे जहन में कोई पोनी है, कोई पोनी है या नहीं है, ये सारी जो चीजें हैं ये क्वेश्चन वो हैं कि जो बहुत पर्टेंट क्वेश्चन है आप बार बार आएंगे, तो उसका तरीका क्या है, यू हैव टू एक्चुअली कंसल्ट ए मास्टर, अल्लाह सुब्हान तआला ने रूल बनाया है कि दुनिया में जितनी फील्ड ऑफ नॉलेज है उसके अंदर अल्लाह सुब्हान तआला ने चंद लोगों को जो है वो अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ नॉलेज दी,
उन्हें आप मास्टर कह सकते हैं, उन्हें आप जो है गुरु कह सकते हैं, उन्हें आप जो है बाबा कह सकते हैं, एक्सपर्ट कह सकते हैं। तो आपके हर एरिया के अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं और हमें उन एक्सपर्ट्स को जो है वो जाके चेक करना चाहिए। आपने मुझे बनाया ना फॉर एग्जाम्पल कि जी मैं चाइना फतह करूंगा, फॉर एग्जाम्पल, तो आप सोचेंगे कि यार चाइना फतह करना है, तो आपने देखा होगा कि भाई ये जो है ना इन चीजों में कौन एक्सपर्ट है, कौन मास्टर है, एंड यू हैव टू एक्ट अप्रोच दैट पर्सन। ठीक है, आइए गुड क्वेश्चन। इसका जवाब ये है कि विजन इज नॉट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, विजन इज वॉट यू वॉन्ट यूर फ्यूचर टू बी, राइट। आज बैठकर लोग ये विजन बना सकते हैं कि मैं बिजनेस को कैसे देखना चाहता हूँ तीन जनरेशन में, वो तो बना सकते हैं। उसको बनाने के अंदर दे कैन टेक एडवाइस फ्रॉम मास्टर्स एंड दे कैन एक्चुअली डू अ प्रोसेस, और प्रोसेस के थ्रू कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फुजैरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उन्होंने हमें अप्रोच किया कि भी हमारा विजन डेवलप करना है। खैर हम गए, ये जो है ना 7 एमिरेट्स हैं यूएई के अंदर, अबू धाबी, दुबई, शारजा, इस तरह से, तो फुजैरा भी एक एमिरेट है। तो वो चंद दिन रहा, वो पूरा डायलॉग रहा, सब कुछ रहा, रॉयल फैमिली भी इन्वॉल्व हुई, और हमने वी आर एबल टू फैसिलिटेट देम टू डेवलप अ विजन फॉर द एयरपोर्ट। और विजन निकल के ये आया कि फुजैरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्ग टर्म विजन था, फुजैरा के एमिरेट्स को डेवलप करना चाहते हैं छूट इस एयरपोर्ट, और उसके अंदर सारी डेवलपमेंट आई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, और इवन सोशल डेवलपमेंट का जो है ना हम एक इंजन होंगे जो एयरपोर्ट होगा। फिर वो आया लिखकर, फिर उसका ब्रेक डाउन प्रोसेस पूरा हुआ, तो वो कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म विजन डेवलप हो सकता है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि जो मास्टर होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। भाई इसको सिंपली या फिर इसमें नहीं है नोट्स में, इसको लिख लीजिए, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है मास्टर को आइडेंटिफाई करने का। बहुत सिंपल प्रोसेस है कि सबसे पहले आप काम क्या करते हैं, तो आप आइडेंटिफाई करते हैं एरिया, कौन से एरिया में आपको मास्टर चाहिए, क्या वो साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हदीस है, फिका है, तफसीर है, क्या है, किस एरिया में आपको मास्टर चाहिए। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि एरिया आइडेंटिफाई कर, जब एरिया आइडेंटिफाई कर लिया तो सेकेंड स्टेप क्या होता है कि आप उस एरिया के प्रैक्टिशनर के पास चले जाए, जन के पास, एक दो तीन के पास, गो टू द प्रैक्टिशनर्स ऑफ द फील्ड। सपोज करें कि आप ये चाहते हैं कि आपको मालूम हो कि लाहौर के अंदर पीडियाट्रिक्स में, यानी चिल्ड्रंस मेडिसिन के अंदर कौन जो है वो मास्टर है, तो आप क्या कहेंगे, दो तीन पीडियाट्रिशियन पर चले जाए, आप उनसे पूछे ये बताइए कि आपके एरिया के अंदर मास्टर कौन है, कौन है बाबा, तो वो क्या कहेंगे कि आपको ऐसे ऐसे बता देंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिस करें उस एरिया के अंदर। अब दूध वाले जाके ना पूछे ना, अब किसी ने मुझसे कहा कि ये बताएं कि वो ये कह के मैं खुद मास्टर हूं, फिर सिंपल है कि आप दो तीन लोगों से पूछे, अब दो तीन और लोगों से पूछेंगे और वो भी उसका नाम देंगे, तो आपको दो तीन नाम आ जाएंगे लोग मास्टर हैं। हमारी ट्रेनिंग में एक डॉक्टर साहब आई, शी इज अ पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर समीना अफगान, इस्लामाबाद। मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि आप पीडियाट्रिशियन है तो आपके एरिया के पाकिस्तान में मास्टर कौन है, कह रहे डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कराची में, वो मास्टर जस्ट लाइक दैट। फिर हमारे पास डॉक्टर साहब होते हैं डॉक्टर अब्दुल बारी खान, इज अ कार्डियक सर्जन, उनसे मैं पूछा कि बताया कि आपके एरिया के जो मास्टर कौन बेस्ट कौन है, तो उन्होंने कहा एक डॉक्टर साहब मेरा नाम निकल रहा है, ही इज इन पेशावर, फॉरगेट हिज नेम, पेशावर में एक कार्डियक सर्जन है, उनका नाम ले लो, खुशहाल भी देते हैं वो प्लीज मास्टर कार्डिक सर्जन पाकिस्तान, जो एक्सपर्ट जो प्रैक्टिशनर होता है उसको पता होता है कि हमारे एरिया का मास्टर कौन। उससे किसी ने पूछा कि हम लीडरशिप पढ़ाता हूं मैं, तो ये लीडरशिप के अंदर मास्टर कौन है पाकिस्तान,
इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ, अगर मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ भैया को, तो ये मैंने सोचा कि हाँ कौन होगा। तो वाकई अगर लीडरशिप का आर्ट किसी को आता है तो वो जो है ना डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, क्योंकि यार हमारे क्लाइंट है, हम वहां ट्रेनिंग करते हैं, जो उनके बारे में जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उससे मेरा ये असेसमेंट है कि ही इज वन ऑफ द मास्टर्स ऑफ लीडरशिप। अगर किसी को लीडरशिप पढ़ाना चाहिए ना, ही शुड टीच, मैं प्रूवन टेस्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, काम किया जो लोगों से मुझे पता चला, आई थिंक ही इज अ मास्टर ऑफ लीडरशिप। क्राइटेरिया से पूछ लिया, अब आपने पूछा तो आपको जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई ये मास्टर है। And now that's the person you need to go to for these questions. You have a very valid question. Ab jain ke andar poni kya aata hai, are yaar ab message par jayenge usse se information lenge, pehle usko malum karna padega, fir uske baad jana padega, fir se itna time kahan hai. Iski misal to ye hai ki yaar mera jo hai na wo to mujhe heart attack ho gaya hai, ab main kisi acche surgeon ke paas jaunga to bahut time lagta hai yaar, itna time kahan hai yaar, mujhe wahan kasai hai usse bahut. भैया लाइफ है, इट्स आवर लाइफ, समथिंग वेरी सीरियस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूछे चले जाए कि यार मेरी बिल्ली जो है वो कान बजा रही बार बार, मैं क्या करूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये तो अपनी लाइफ, ये तो आपके अल्टीमेट विजन्स के डिसीजंस हैं, कॉम्पिटिटर्स के डिसीजंस हैं। हमारे पोनी यानी अगर आपको किसी जगह कोई पोनी आ जाए तो पोनी निकालने का आर्ट भी मास्टर के पास होता है, वॉल्यूम अगर पोनी निकाल सकते हैं तो मास्टर्स के पास जो है हमें जाना चाहिए। अच्छा, अब जहन में ख्याल आता है कि यार मास्टर जो है वो क्यों देगा टाइम, मास्टर में टाइम क्यों देगा, वो बिजी नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि मास्टर हमको टाइम देगा, क्योंकि मास्टर के अंदर दो क्वालिटीज होती हैं जिसके बगैर एक आदमी मास्टर बन नहीं सकता। वो दो क्वालिटीज क्या होती है, आइए उसको देख लेते हैं। टू क्वालिटीज दैट अ मास्टर मस्ट हैव, पहली क्वालिटी मास्टर की होती है that he is eager to share his knowledge, that's quality number one। कोई शख्स किसी एरिया के अंदर मास्टर बन नहीं सकता जब तक कि वो अपनी नॉलेज को फ्रीली और ईगरली डिस्ट्रीब्यूट ना करे, उस एरिया को मास्टर बन ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं। ओवर 90% ऑफ द रिसर्च इन द वर्ल्ड इज डन बाय प्रोफेसर्स हू प्रोफेस देयर नॉलेज। किसी चीज की डेप्थ अगर आपको देनी है ना तो आपको पढ़ाना पड़ेगा। हम भी कहते हैं आप लोगों से, आप चाहते हैं इस मटीरियल की डेप्थ आपके पास है, पढ़ाना शुरू कर। अब तो काम ही आसान हो गया, ऐसी रिकॉर्ड हो रही है, गए आपने वो किया। बल्कि इस हफ्ते ना वो टोरंटो में कोर्स हो रहा है हमारा, एक साहब ने पोस्ट किया था चले गए थे, उन्होंने लॉन्च कर दिया। आई थिंक इज मीन टू मेक गुड मनी ऑल्सो इंशाल्लाह। और वो अच्छा वो ईमेल आई ना, कॉपी की उन्होंने अपने जो पार्टिसिपेंट्स पीपल आर साइन अप, तो उन्होंने जाकर कह दिया कि जाए टाइम लेते वेबसाइट जाके वो मैनुअल से डाउनलोड करो। सो मैनुअल डाउनलोड करके वो कोर्स होगा। अब वो बंदा जो पढ़ाएगा तो उसको डेप्थ आएगी ना उस चीज की। तो मैं आपके साथ एक प्रोसेस वही शेयर करता हूँ, फिर इसका फायदा होगा। हुआ ये कि मैंने एफएससी किया, उस जमाने में एनडब्ल्यूएफपी एक बोर्ड होता था, पेशावर बोर्ड। अच्छा एफएससी मैंने कर लिया, अच्छा करके जो है मैं काशी चला गया। तो हुआ ये कि किसी ने, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस आई हैव रिसीव्ड इन माय लाइफ, एक साहब मुझे कहने लगे कि आपको बेटा क्या करना है। मैंने कहा कि मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना। उसकी वजह यह थी कि हमारे मामू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, हमारी बहन की शादी जल्दी होगी, उनकी शादी एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर से होगी। हमारे वाले बचपन से कहते थे मेरा बेटा इलेक्ट्रिक इंजीनियर बनेगा, ठीक है बन जाएंगे। स्ट्रेटेजी विजन का कोर्स हमने नहीं किया होता। अच्छा आप जो है बोल देना इलेक्ट्रिक इंजीनियर बनेंगे। उन्होंने से पूछा कि अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए दो चीजें बड़ी अच्छी होनी चाहिए, यू शुड बी वेरी गुड इन मैथ्स एंड यू शुड बी वेरी गुड इन फिजिक्स। मेरा मैथ्स और फिजिक्स मेरी बहुत अच्छी है। उस जमाने में जो है मेरी एनडब्ल्यूएफपी में सेकंड पोजीशन आई थी इन द बोर्ड। अच्छा और मैथ्स में मेरे ख्याल 198 थे मेरे 200 में से, और फिजिक्स में कोई 194 थे। बहुत एलिगेंस थी ना कि भाई ये तो हम तो भाई वाओ।
तो उन्होंने बड़ा अच्छी मुझे एडवाइस दी, कहने लगे तो क्या हो, मैंने सिंसर ऐसे ना कि मैं आपसे कहूँ कि ना मैंने ना वो BMW 735 खरीदी है और बाहर से खरीदी है, हैं तो जो है वो क्या नाम है आपका, भूल गया, उज़ैर, उज़ैर, तो कैसी लग रही है बाप है, हाँ तो क्या है यार, उन लोग क्या हो गया यार, जिंदगी कमाई लग गई, अब जो है ना वो मैं तो बिल्कुल ही कहने की इससे खुशी होता आपने के मैथ से पढ़ाई है, मैं कहा आपने क्लास के लड़कों को हेल्प करता था, नहीं नहीं ये नहीं कोई पढ़ाई है, मैं कहा नहीं बेटा जाओ पहले पढ़ाओ फिर पूछना, कौन सा का चैलेंज, मैं अच्छा हाँ जाओ और ओ एन ए लेवल्स को ना तुमने एड मैथ्स एड फिजिक्स पढ़ा, अच्छा भाई तुम्हें लग गया ठीक है पढ़ाऊ, तो मैंने कहा कि मैं ना अच्छा आप खुद सोचे मैं आ रहा हूँ मैट्रिक FSC मैट्रिक सिस्टम से आ रहा हूँ ना, मुझे ओ एन ए लेवल पे लगा दिया, मैं ठीक है, तो मैंने कहा कि ऐड दिया ठीक है ना, वो जो अलग साहब ना गोल्ड मेडल अनाउंस किया था, तो टेक्निकली गोल्ड मेडलिस्ट मैंने ऐड दिया कि गोल्ड मेडलिस्ट लुकिंग फॉर क्वेश्चन, अच्छा कराची में ना हमारे वालदैन रहते थे जमाने में, अभी भी रहते हैं क्लिफ्टन में, तो उस जमाने क्लिफ्टन में ना वो ट्यूटर्स नहीं मिलते थे आराम से, मैं तो नहीं पैदा भी नहीं हुए होंगे जबकि बात होता तो वो जो है 25-26 अच्छा लोग जो है आने लगे कौन भी आने लगे खाना आ गए, अच्छा वो जो है ट्यूशन देना शुरू हो गया, अब जब पढ़ाना शुरू किया तो पहले ही जान पे आ गया ना, तो रहता था इतना सोचना पड़ रहा था पढ़ाने के लिए पढ़ाना था ये था, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मेरे ख्याल से 4-5 महीने के बाद मुझे पता चला कि माय गॉड मुझे तो फिजिक्स पता ही थी, ये प्रोसेसेस पता थे लेकिन उसकी डेप्थ का तो अंदाजा ही नहीं था मुझे, फिर पता चला शुरू हुआ कि मैथ्स का तुम्हें पता ही था, जो पढ़ाने से डेप्थ आने शुरू हुआ कि इंटीग्रेशन का मकसद क्या होता है, डेरिवेशन का मतलब क्या होता है, और वो दिन एक साल मैंने पढ़ाया है, दो साल मैंने पढ़ाया रिक्वायरमेंट टू द यूएस, उसके बाद से लेकर पूरी इंजीनियरिंग कंप्लीट होने तक और एक डेढ़ साल रिसर्च की, उसके बाद मुझे पढ़ना नहीं पड़ा, टेक्निकल पढ़ते थे ना प्लानिंग हो रही है राधा बैठे मुझे शुरू नहीं पढ़ा, इतने कॉन्सेप्ट में क्लियर है, तो ये रूल है कोई चीज आप आपको सबका कितने लोगों का एक्सपीरियंस है कोई चीज पढ़ाई और फिर बहुत ज्यादा क्लियर हुआ है ना, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है, तो आप मास्टर बन ही सकते जब तक कि आप अपनी नॉलेज ईगली शेयर करने के लिए तैयार ना हो, यानी उसके तो मेंटल स्क्रिप्ट्स जिसे हम कहते हैं DMR पहले से बने हुए हैं कि आई हैव टू शेयर माई नॉलेज, तो जो मास्टर होता है तो वो ईगर है, हाँ आप अगर अपनी नॉलेज शेयर नहीं करेंगे तो यू कैन बी वेरी गुड बट यू कैन नॉट बी अ मास्टर, जो ब्रिटिश सिस्टम से इंस्पायर्ड आर्मीज हैं लाइक पाकिस्तान की भी, तो आपको पता है जो बेस्ट आर्मी ऑफिसर होता है उसको किस काम पे लगाते हैं, ट्रेनिंग पे, ही बिकम्स अ इंस्ट्रक्टर, अक्सर जो हमारे जनरल होते हैं वो अपने लाइफ में काफी सालों तक इंस्ट्रक्टर्स रह चुके हैं, या स्ट्रैटेजी पढ़ाते हैं, वेपन्स पढ़ाते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, ये देखें हमारे जनरल्स कितनी अच्छी तकरीर करते हैं, नोट किया कभी आप कितने अच्छे जो है वो लेसन पढ़ा देते हैं कोई फॉर्म को, इसलिए कि वो उनका पढ़ाने का एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है अनुभव तो मेरे पोलिटिकल कॉम है, ठीक है आज जनरल आ रहे गुड स्पीकर्स माशा, तो पहला तो ये DMR है, मेंटल स्क्रिप्ट ऑलरेडी देयर है, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो मास्टर होता है उसके अंदर होती है ह्यूमिलिटी, वो हम्बल होता है यानी उसके अंदर आजिजी होती है, वो एरोगेंट नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, यानी केवल कहते हैं ना केवल नहीं हो सकता उसके अंदर, नॉट पॉसिबल, ही हैज टू बी वेरी हम्बल। अब आप पूछेंगे इसका क्या वो है आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बहुत जबरदस्त, हुजूर ने फरमाया कि किबर की दो निशानी, टू साइंस ऑफ एरोगेंस, पहली निशानी यह है कि जो आदमी के अंदर किबर होता है, मतकबर होता है, वो औरों को अपने से घटिया समझे, पहला साइन क्या है कि औरों को अपने से घटिया समझते, दे थिंक स्लो ऑफ अदर्स,
और दूसरा ये है कि जब हक बात आती है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और वो घटिया समझना और हक बात को एक्सेप्ट ना करना, ये किबर की दो निशानियां हैं। कोई शख्स किसी एरिया का मास्टर नहीं बन सकता जब तक कि उसको सिवियरली क्रिटिसाइज ना किया जाए, उसने सिवियर क्रिटिसिज्म ना फेस की हो और उस क्रिटिसिज्म से उसने ना सीखा हो, वो मास्टर बन नहीं सकता ना, पॉसिबली नहीं। द मोमेंट यू गोइंग टू स्टार्ट प्रोफेसिंग, द मोमेंट यू गोइंग टू स्टार्ट टीचिंग, समबडी इज गोइंग टू क्रिटिसाइज यू, राइट और रॉन्ग। अगर सपोज करें कि क्रिटिसिज्म आती है और अगर 80% क्रिटिसिज्म गलत आती है ना, तो 20% सही आती है, 10% सही आती है और 10% में इंप्रूवमेंट होती है। और एक आदमी कहते हैं कि जी मुझे आप क्रिटिसाइज मत करें, तो आप समझते हैं यू थिंक ही कैन इंप्रूव? यू थिंक अ पर्सन कैन बिकम अ गुड सर्जन, गुड टीचर, गुड आर्मी ऑफिसर, यू नो, गुड इंजीनियर? कोई भी फील्ड उठा के देखें कि उसको अगर क्रिटिसाइज ना किया जाए, कोई बच्चा हाफिज बन सकता है कि अगर उसको क्रिटिसाइज ना किया जाए, गलतियां ना पकड़ी जाए? नहीं हो सकता ना। Somebody has to criticize you, somebody has to educate you. अगर मैं उसको एक्सेप्ट ही ना करूं सबको, देखो एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी, बिकॉज पेनफुल है ना, क्रिटिसाइज करो आसान थोड़ी होता काम, क्या आप क्रिटिसाइज करो तो बहुत ही पेनफुल होता है, खसूस अगर वो ज्यादा सख्त है क्रिटिसाइज करें, अवसर नहीं आती बच्चे, और नहीं आती तो ध्यान लग जाती ना आदमी यार, अच्छा आ रही भैया, आ रही है छोड़ दो यार, आप तो हमने यही कर दिया, वो कर दिया। तो चूंकि उसके अंदर उसके DMR ये मेंटल स्किल्स ह्यूमिलिटी के डेवलप हुए होते हैं, वो एक्सेप्ट करता है, तो ह्यूमिलिटी इज पार्ट ऑफ हिज लाइफ। तो मास्टर के अंदर क्या होगा, ईगरनेस होगी और ह्यूमिलिटी होगी। इसका मतलब ये है कि ही विल एक्चुअली गिव यू टाइम, ही विल ईगरली एक्सप्लेन थिंग्स टू यू एंड ही विल बी वेरी हम्बल। हाँ, इशू ये है कि उसके पास, क्योंकि बहुत से लोग उसके टाइम को डिमांड कर रहे होते हैं, तो ठीक है कॉस्ट होती है उसके टाइम की, फाइनेंशियल कॉस्ट होगी, अगर आपको कोई एफर्ट करनी पड़ेगी, इफ यू आर विलिंग टू पे दैट कॉस्ट यू विल हैव हिज टाइम, दिस इज द रूल ऑफ द वर्ल्ड, इफ यू आर विलिंग टू पे दैट कॉस्ट। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो करना क्या है आपने कि आपने अपनी लाइफ के अंदर मास्टर आइडेंटिफाई कर देना है और उस पर चले जाना है और उसको एडवाइस देनी है, वो आपको एडवाइस कर भी देगा और वो हम्बल होता है, वो आपसे बातें कर देगा। अच्छा, होगा क्या कि उसका एक जुमला जो है या उसके दो जुमले जो हैं, वो आपको जो है ना 10 साल की एफर्ट बचा देंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम से आपको जो निकाल देंगे। दैट इज यू नो द पावर ऑफ द राइट एडवाइस, जिसको हम कभी कभी जो है वो इग्नोर कर देते हैं, अरे यार कौन जाएगा, और फिर हम बगड़े खा रहे होते हैं जिंदगी के अंदर। अब आप मुझे बताइए कि ये जो साहब ने मुझे क्रिटिसाइज किया था उस वक्त, तो क्या हुआ? इतना पेनफुल होता है ना, आप इस चक्कर में, मैं तो बोर्ड पोजिशन दी सारा कुछ ना स्ट्रेट ले किसी को, उसको आप तो क्या हुआ यार, उस बंदे कितनी मेहनत की होगी, कोई जिंदगी लगाई है उस वक्त, जितनी जिंदगी सब खप चुकी थी, रात में पढ़ना उठना बैठना जो भी, लेकिन उसने कितनी पावरफुल एडवाइस की, आज तक हम बेनिफिट उठा रहे हैं और जो है वो लोगों को बताता हूं। ऐसा ख्याल रखें कि मास्टर जो होता है ना, उसके पास दो तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है कि उसके पास एक एक्सपर्टीज होती है, हाँ, और उसके पास जो है ना द एबिलिटी टू थिन स्लाइस होती है, थिन स्लाइसिंग। इसने पढ़ा थिन स्लाइसिंग बारे में? एक बहुत बेहतरीन किताब है ब्लिंक, नाथ मुटैबल की, थिन स्लाइसिंग। इस पूरी किताब का जो पॉइंट है वो ये है कि अल्लाह ने दिमाग इंसान को ऐसा बनाया है कि अगर आप उसको प्रॉपरली कंडीशन करें लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो हम जो है डेटा के एक थिन स्लाइस को लेकर बहुत क्विकली बहुत एक्यूरेट रिजल्ट जो है हम जनरेट करें, और इंसान के अंदर ये एबिलिटी रखी।
वो बता रहा है कि थिन स्लाइसिंग कैसे डेवलप होती है, किन कंडीशन डेवलप होती है, केसेस उसने उसके बताए हैं. यू नो फॉर एग्जांपल उसने एग्जांपल दी कि एक काउंसलर है, मैरिज काउंसलर है यूएस के अंदर, कि जैसे शादी हो जाए तो शादी के बाद आप वो जो कपल हैं उनके कोई 10 मिनट या 15 मिनट की रिकॉर्डिंग है, कोई भी कॉन्वर्सेशन, एनी कॉन्वर्सेशन पिक अप और उसकी जो रिकॉर्डिंग है उसको सुना. तो कोई 70-80% एक्यूरेसी से बता देता है इसमें से कौन सी शादी 2 साल तक रहेगी और कौन सी शादी 2 साल के अंदर खत्म होगी, विद इन 70-80%. उसे कॉन्वर्सेशन सुनकर वो पिकअप कर रहा है द वेरी लिटिल थिंग स्लाइस. उसे बताया कि उसके अंदर कौन सा की एलिमेंट वो देख रहा है. और बहुत ज्यादा जो बंदा थिन स्लाइस कर रहा होता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता है कि वो क्यों कर, वो कैसे कर रहा है. ब्रेन इतनी तेजी से प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन. एक मेरे दोस्त हैं ताकिब, उनका नाम है ताकिब मंसूर, वो हमेशा बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी निकाल के क्या करें जब भी मिलता कोई कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होती. उसने मुझे बताया कि कराची पुलिस के पास ना एक एल्डरली ऑफिसर है, उसको जो है ना कभी कभी वो रिक्वेस्ट करते हैं, हेल्प देते हैं. उसे क्या करते हैं, लागे ना किसी रोड पे बिठा रहे कुर्सी लगाकर उस मैस्टर को, तो बैठ जाता है. होता है ओवर 90% या तो वो चोरी की होती है या उसके अंदर से जो है वो वेपन निकलता है या उसे को टेरिस पकड़ा जाता है फलां पर, बस वो ही इज गेटिंग अ सेंस ऑफ इट. उसके बाद थिन स्लाइसिंग है, ये जो हमारे FIA के लोग होते हैं ना रिपोर्ट्स पे, ये भी डेवलप कर लेते हैं अबिलिटी थिन साइज में, हजारों लोग गुजर करते हैं ना. तो जो लोग इंटरनेशनल कभी ट्रैवल करते हैं आप, तो आपने देखा होगा कि जब आपका पासपोर्ट स्टैंप होता है, पासपोर्ट स्टैंप में भी निकलते हैं तो एक फिर एक सीनियर FIA का ऑफिसर होता है कि वो आपका स्टैंप देखता है और एनी इंडस्ट्री को. अच्छा ठीक है, साइकोलॉजी का मेरा मेजर ये माइनर है जो भी, तो मैं देखता था होता क्या है. तो मैं हमेशा नोट करता कि वो जब वो पासपोर्ट खोल के देख रहा होता है तो आपकी निगाह अपने पासपोर्ट पे होती है ना, वी आर लुकिंग एट योर पासपोर्ट, क्योंकि वो आपको पासपोर्ट घुमा रहा है. तो मैं क्या करता, मैं उसको देख रहा होता हूँ. तो मैं देखता हूँ कि जब वो पासपोर्ट देख रहा होता है तो ही इज एक्चुअली नॉट रियली लुकिंग एट द पासपोर्ट, हु इज लुकिंग एट यू, वो चेहरा रीड कर रहा होता है. हाँ साहब जाए, हाँ साहब जाए. और मजे की बात है वो कभी ऐसे बंदे को रोक लेता है, क्या कहने इसको क्यों रोका है, तुमको देखना सही था, रोके जाएगा मुझको रोकना चाहिए ना, हम नजर आते कदम फलाने कदम उसके देखने में होता ना बहुत ऐसे पर्सनैलिटी में. अब वो जो है रोका मुझको चाहिए, मुझे तो नहीं रोकते उसको रोके, वो जो चेहरा जो रीड करते हैं ना थिन स्लाइसिंग एबिलिटी जो डेवलप हो जाती है. अच्छा फ्यूचर में ये लोग आए ना ANF एंटी नार्कोटिक फोर्स वाले भी एयरपोर्ट पे आ रहे, अच्छा एक तो वो रोकते हैं फिर ये लोग भी रोक लेते हैं. तो अभी डेढ़ हफ्ता पहले मैं गया, तो जब मैं अच्छा हुआ मैं बैग रखा था तो चलता हुआ आया ANF वाला, वही पासपोर्ट दिखाई, पासपोर्ट देखा मैं देख रहा है, कहें सर आप तो शरीफ करने जाए, मैंने मतलब टेक्निकली तो खोल के काफी चेक करते हैं सामान, नहीं सर आप शरीफ करने आ रहे. कुछ अर्सा पहले मैं खड़ा हुआ था, मैं पीछे खड़ा हुआ था. अच्छा अब वो बिल्कुल वही नॉर्मल जो पैंट शर्ट वगैरह बैठा था वो आया चलता हुआ, आए कहते हैं जुबान दिखाओ. अच्छा पहले से मुझे लगा कि यार बंदा खड़ा हुआ है उसको जुबान दिखाओ. ये फॉर फॉर एग्जाम्पल मुझे डॉक्टर की मिसाल दी कि उसने कहा कि ये बताया आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं. अब उसने क्या क्या क्यूज देखे होंगे, क्या पैटर्न देखा होगा कि उसने क्वेश्चन किया. और जो मास्टर होता है बिकॉज ही हैज एबिलिटी, तो वो क्या करता है कि वो आपके पोनी भी निकाल सकता है आराम से, वो पोनी पकड़ सकता है. एक एवरेज आदमी नहीं पकड़ सकता पोनी को. एक तो होती है थिन स्लाइसिंग की एबिलिटी, दूसरी क्या होती है अल्लाह सुब्हानहू चाहे थिन स्लाइसिंग अल्लाह ही देते हैं, लेकिन एक और चीज अल्लाह सुब्हानहू देते हैं
उसको कहते हैं फिरासत। फिरासत विस्तृत एक हदीस है, जिसका एग्जैक्ट वर्डिंग तो मेरे ध्यान नहीं आ रही, किस तरह से है कि इत्तको फिरासत अल-मोमिन फयंजरू बिनूरिल्लाह। सुना आप किसने हदीस सुनी? आपको इसे पूरे वर्ड से याद? उर्दू क्या है? हाँ, कि मोमिन की फिरासत बीवेयर, मोमिन की फिरासत से डरो या देखो कि नूर ला के अल्लाह के नूर से देखते हैं, तो अल्लाह सुबहान तआला भी उसको एक सेंस देते हैं जिससे वो बहुत सी ऐसे दिख लेता है कि जो हमें आम तौर पे हम नहीं पकड़ पा रहे। तो ये जो है ना वो मास्टर की एबिलिटी होती है, और जिस एरिया में भी आप होंगे उस एरिया के अंदर जो है ना वो आपको वो करेगा। पॉइंट ये हो रहा है, ये जो चूंकि मास्टर वाला सेक्शन बहुत क्रिटिकल था, चंद क्वेश्चन जब आप कहेंगे तो मैं आपसे ये कहूंगा कि प्लीज अब आप किसी मास्टर को जो है वो उसके पास जाए, न्यू लेवल में हेल्प दिया। मैं आपको दो कहानी सुनाता हूँ मास्टर की। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरा एरिया था ऑल्टरनेट सेमी कंडक्टर्स। जब मैंने ग्रेजुएट किया तो जो मेरा प्रोफेसर था एक, जिस साथ मैंने अंडर ग्रेजुएट रिसर्च की थी, उसने मुझे बुलाया, कहा कि देखो तुम्हारा क्या प्लान है? मैं कहा कि मैं यूनिवर्सिटी स्विच करना चाहता हूँ। यूजुअली ये होता है कि आप एक यूनिवर्सिटी से बैचलर्स करते हैं तो मास्टर्स प्रोग्राम अनदर यूनिवर्सिटी एक्सपोजर ज्यादा होता है। कहाँ जाना चाहते हो? मैं कैलिफोर्निया का सोच रहा हूँ। उसने कहा कि तुम मत जाओ, क्योंकि मेरे पास जो है एक फंडिंग आई है यूएस नेवी की, और आई नीड टू वर्क विद मी, और उसमें से तीन ही इन्वेस्टिगेटर्स हैं, दो प्रोफेसर हैं, एक तुम होगे। और उसमें मेरी अच्छी कहानी बताई गई, तुम कर लो साइन अप, आपकी ट्यूशन यूएस में भी पे करेगी, आपको एक स्टाइपेंड मिलेगा, सैलरी मिलेगी, फंडेड रिसर्च है, और फिर ये पेपर पब्लिश भी होगा, एंड आई विल लेट यू यूज दैट रिसर्च फॉर योर मास्टर्स थीसिस आल्सो। पैसे मिल रहे हैं, मास्टर थीसिस भी हो जाएगा, यू नो, तो तुम ना साइन करो, कंसिडर करो। खैर मैं ठीक है। अच्छा वो मटेरियल तो मेरा एरिया नहीं था, अब उसमें विजन क्लियर नहीं होता तो आपने कोई भाव होता। अच्छा मेरा तो बैचलर्स है डिजिटल सर्किट डिजाइन। अच्छा डिजिटल सर्किट डिजाइन से हम मटेरियल नहीं बन गया, साइन कर। अच्छा साइन कर दिया। उसमें था ये क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड को सिंथेसाइज करना। क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड एक मटेरियल है जो कि सेमी कंडक्टर है, और उसके जो है वो टेम्परेचर टॉलरेंस ज्यादा है। सिलिकॉन 400 डिग्री सेंटीग्रेड में मेल्ट करता है, ये जो है 600 मेल्ट करता था। ठीक है। अच्छा आप पूछोगे मास्टर था ये हमारा प्रोफेसर, इसका नाम था रॉडनी डिलन, डॉक्टर डिलन। अच्छा अब उसने मुझे बिठा के समझाना शुरू किया कैसे करना। उसने पहला प्रोसेस ये करना है कि लिटरेचर सर्च करो और ये देखो कि दुनिया में इस एरिया में कितना काम हुआ है। तो मुझे लाइब्रेरी ले गया, उसने सिखाया सारा प्रोसेस बहुत ही अच्छी तरह से। उसने तीन हफ्ते तो इसको लगाओ और सारे पेपर निकालो पढ़ो, क्योंकि वो बहुत राइटर का कितना काम, एंड देन विल मेक अ स्ट्रैटेजी एंड विल गो फ्रॉम देयर। फिर हम गए, शुरू कर दिया, साइन अप कर दिया। दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं गया, मैं साइन अप करके आई स्टार्टेड माय मास्टर्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का। अब जब तीन हफ्ते कंप्लीट हुए तो मेरे हाथों में क्या उड़ गए? और हाँ वो सब उड़ गए। इसे पता ही चला कि कोई 15 साल से इस पे काम हो रहा है, क्योंकि बोर्ड नाइट्राइड पे फ्रेंच काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियंस काम कर रहे हैं, यूएस के नेशनल लैब जो है गवर्नमेंट फंडेड लैब उसमें काम हो रहा है, और एक से भी वो प्योर बोर्ड नाइट्राइड हुआ ही नहीं है सिंथेसाइज। अच्छा उस वक्त ना जो नौजवानी में रहा उत्साह ही तेज होता है ना, तुमने भी आग लगी और बड़ा काम है यार, ये तो भरवा दिया उसने, ये तो आप जा नहीं सकते, इतने लेट हो गया, सारे एडमिशन चले गए, ये तो बने बन के नहीं रहेगा। हमारे साथ कौन सा सीन है यार, एक साल में इसको सेंसिटाइज कर लेंगे, मेरे लिए दौड़ बर्बाद हो चुके, लोगों के खर्च हो चुके, नहीं हुआ हमसे हो जाएगा। अब जनाब अब मैं जाकर पूछू क्या किया, अब मैं क्या जनाब उसने मुझे फोन किया प्रोफेसर बोला कि डॉक्टर अच्छा वो समझदार समझ गया कि मौलिक साहब तपे है कम ओवर यू नो इवनिंग कम ओवर टू माई ऑफिस मैं पहुंचा। जैसे मैं एंटर हुआ समझ गया कि बैठो क्या बात है,
मैंने कहा बताया मैंने तो पता ये हो चुका है 15 साल से सिंथेसाइज नहीं हो रहा था नहीं हो रहा आपने कहा था कि पेपर पब्लिश होगा आपने कहा था मैं आपसे थीसिस होगा ये तो सिंथेसाइज नहीं होगा तो पेपर कैसे पब्लिश होगा मैं आपसे थीसिस कैसे होगा अपना ना होगा सुनता रहा तो यू विल नॉट बिलीव उसने एक या दो जुमले कहे सारे गुम में आप खत्म मुस्कुराते हम चले गए चीन भी हमने नहीं किया वो जुमला क्या था पता है उसने कहा सुलेमान इवन इफ वी फेल वी वुड हैव फाउंड वन वे ऑफ हाउ नॉट टू प्रोड्यूस क्यूबिक बोरोनाइट्राइड एंड दैट इन इटसेल्फ इज साइंस योर पेपर विल गेट पब्लिश्ड सारे तो कोई नहीं ऑफिस और देना वो हम देना चेकते हुए और लगे थे अब ये मास्टर की एबिलिटी होती है ना कि उसको जज करता है और फिर वो आपको पूरी निकालता है ये बात होगी फिर एक और कहानी ये थी होता है ना जब टीनेजर हम होते हैं तो हमारे जो है कभी कभी इख्तलाफ हो जाते हैं पेरेंट्स के साथ तो वो मेरे को चल रहे थे जमाने में वो कहते दाढ़ी नहीं रखना या वो कहते रिश्ता नहीं तो हम थोड़ा सा इधर बात अब क्या हुआ कि अल्लाह के फल से मुझे आप उस वेरी लकी मुझे एक मास्टर मिल गए एक दिन मैं घर गया तो हाँ बैठो सलमान बैठ गया तो कहने लगे कि हाँ बताओ क्या चल रहा है क्या पियो गए अपने याद नहीं जो भी शरबत था चाय थी आई डोंट नो व्हाट इट वाज शरबत ही होगा तो खैर वो जब आके उसके बच्चे ने सर्व किया जब मैंने उसको ग्लास उठाया ना तो मेरा हाथ जो है ना एकदम शेक हो गया पता क्या उठाते जैसे मेरा हाथ शेक हुआ तो उन्होंने डांटा तो कहते हैं वाला की खिदमत नहीं कर रहे तुम मैं जाएंगे क्योंकि उससे दो चार दिन पहले हुई थी झगड़ा मैंने मान तो कोई बोल नहीं सकता क्या बोलता मैं पकड़ा गया तो कहते हैं जाओ जाके माँ की खिदमत किया करो अच्छा है तो अच्छा मैं तो मेरे तो दिमाग चल रहा है यार ये बंदे पकड़ा कैसे यार ग्लास खेलने से क्या नहीं फिर दो तीन हफ्ते गुजर गए हमने कह कह मैं आपका अम्मा से माफ़ नहीं मांगी हमारा प्यार छोड़ दिया फिर दो तीन हफ्ते बाद फिर गया हमने घर पे अच्छा मैं भूल चुका हूँ फिर कोई शब्द उन्होंने किया ऑफर फिर मैं उठाया मुझे कहते हैं फिर मैं उठाया कहते हैं तो आप अपनी अम्मी की खिदमत कर रहे हो ना जुबान दिखाओ एफ आई आर वाला रोक लेता है या पुलिस वाला गाड़ी साइड पे करता है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पिकअप कर रहा है और उसको वो जो ना इज मेकिंग अ सेंस ऑफ इट क्विकली यू नो और फिर विरासत भी है चाहे वो वॉरिंग जुलन हो चाहे वो इनका नाम मामला इस्माइल और मान साहब हो तो अल्लाह सुब्हान ने मास्टर्स को ये ट्रेनिंग होती है तो हमें चाहिए कि हम मास्टर्स को आइडेंटिफाई करें और ये पोनी ना आने देंगे कि आपको टाइम भी देंगे और आपको जो है बिठाएंगे भी और यूजली मास्टर्स आर लुकिंग फॉर गुड स्टूडेंट्स एनी वे वो दे वांट टू यूजली शेयर द नॉलेज एंड दे ओनली शेयर द नॉलेज विद देयर स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक इट हां अब एक आखिरी कहानी है कि मास्टर को कैसे कन्वर्ट करना है इंटू अ मेंटोर टीचर में और मेंटोर में फर्क ही होता है कि टीचर काम क्या होता है कि वो आता है और अपनी नॉलेज डिलीवर करता है चला जाता है लेकिन मेंटोर वो होता है कि जिसका और मेंटी का एक टैसिट अग्रीमेंट होता है कि मेंटोर विल एक्चुअली हेल्प यू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी यू विल फैसिलिटेट द होल प्रोसेस ठीक है और जो मेंटी होगा He will actually obey. तब जो है मेंटर मेंटी रिलेशनशिप की तरफ तो ये इसमें और एक रेगुलर सिर्फ पढ़ाने में फर्क है तो हाउ डू कन्वर्ट ए मास्टर इनटू अ मेंटर उसका रूल क्या है कि देयर इज अ प्राइस दैट यू हैव टू पे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं और जो है फिर मैं आपको क्विकली पूछूंगा इस क्लास में या अगले क्लास में और सिर्फ गेरेंट से पूछूंगा कि इस कहानी से क्या की लर्निंग्स आपकी थी जब मैं यूएस में था तो वहां इशू ये था कि क्रेडिट कार्ड्स हम यूज करते थे काफी है ना और बहुत कॉमन था क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल
एवरीबडी विल हैव क्रेडिट कार्ड्स. अब गाड़ी भी रेंट नहीं कर सकते उसके बगैर, बस भी नीड भी होती. अच्छा, और मैं ये सोचा करता था कि क्रेडिट कार्ड जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है, नहीं होता है, लेट पेमेंट फी क्या होती है, APR क्या होता है, क्रेडिट कार्ड चार्ज कार्ड के क्या डिफरेंस होता है टेक्निकल, डेबिट कार्ड क्या डिफरेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन एक्सप्रेस जो उसका कार्ड है ग्रीन गोल्ड या प्लैटिनम, इट्स नॉट एक्चुअली क्रेडिट कार्ड, इट्स कॉल्ड अ चार्ज कार्ड. लेकिन उसका एक और कार्ड उसको कहते हैं ऑप्टिमा. ऑप्टिमा इज अ क्रेडिट कार्ड, यू नो, एज अपोज टू सर्टेन कार्ड्स आर डेबिट कार्ड्स. तो मैं सोचता रहता था और मुझे क्लैरिटी नहीं थी. एक दफा मैं ट्रैवल कर रहा था और न्यू जर्सी कुछ मीटिंग्स थी, तो जब शाम हुई तो मैंने कहा कि यार नमाज पढ़ लेता हूँ, तुम्हारी मस्जिद से हमें रूट हुआ नमाज पढ़ने से. फिर मैं ईशा पढ़ने चला गया, ईशा पढ़ने चला गया तो थोड़ा मैं पहले पहुंचा, मैं वजू कर रहा, तो मैं देखा एक साथ तकरीर कर रहे हैं. वही क्यूरियोसिटी, मैं पूछा कि ये कौन. तो साहब ने कहा कि आपको नहीं पता, ये इमरान हुसैन साहब, मौलाना इमरान हुसैन. मैंने कहा अच्छा, तो ये क्या तकरीर कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि इनकी बड़ी रिसर्च है क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर, क्रेडिट कार्ड्स के इंटरेस्ट के ऊपर, उस पर कोई स्पीच है. एक्सपर्ट है बड़ी, चलो इनसे कहना कुछ सवाल पूछ सकते हैं. जैसे वो सेशन, जब हमने नमाज पढ़ी, वो खैर उनका सेशन कम्प्लीट हो गया, ईशा की नमाज, ईशा की नमाज के बाद में पकड़ लिया, पकड़ नहीं गया, मिल गया, पकड़ लिया, वो तो बहुत लिफ्ट हो जाता. तो मैंने उससे कहा कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, और अब कंक्लूड उसका मैं खुलासा दे रहा हूँ कॉन्वर्सेशन, एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं मुझे. मैंने कहा कि आप मौलाना इमरान हुसैन जी, हाँ मैं हूँ. मैंने कहा कि सुना है कि आपकी रिसर्च है क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर काफ़ी कहाँ है. तो मैंने कहा कि आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. तो कहने कि देखें मुझे तो अभी घर जाना है, आप कहाँ रहते हैं. तो मैंने कहा कि मैं शिकागो में रहता हूँ. शिकागो और न्यू जर्सी इज लाइक 2.5 आवर फ्लाइट, इस्लामाबाद से कराची समझ. तो कह रहे हैं जब आप नेक्स्ट टाइम आए मुझे कॉल कर लें, विल सेट अप अ टाइम एंड विल अगेन डिस्कस विद यू. तो मैंने कहा अच्छा. तो कह रहे हैं कि हाँ देखिए बात असल में ये है कि मेरी फैमिली ट्रैवल कर रही है और मैं घर अकेला नहीं छोड़ सकता. यूएस के अंदर कोई ऐसे नेबरहुड हैं कि जहाँ आप घर अकेले नहीं छोड़ सकते. तो मैं घर अकेले छोड़ सकता था, आई हैव टू गो होम. तो उसमें ये है कि अगर आप मेरे घर चलना चाहें तो मैं आपको एक घंटा वहां दे सकता हूँ. तो आप कैसे ट्रैवल करें, मेरे मतलब तो रेंटल गाड़ी है, कैन जस्ट फॉलो मी. फिर मैंने उनको फॉलो किया, घर पहुंचे, बैठ गए, अब वो डिस्कशन होना शुरू किया उनके ड्राइंग रूम के अंदर. अब हुआ ये कि वो जो एक घंटा गुजरा तो काफी इन्फॉर्मेशन आने लगी ना, वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन. मैंने कहा वाह हो रहा है, मैंने बहुत काम किया है. इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और फिर यूएस में भी रहते हैं, इसका उनके करीबियन भी और काफी रिसर्च है. लेकिन एक घंटे में ना वो तशक् नहीं हुई कोई चीज ट्रांसफर नहीं. तो क्या करें, फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई एक घंटा हो गया तो मैं आई स्लीप अर्ली. तो जो आप एक काम करें कि आप जब नेक्स्ट टाइम शिकागो से आए तो मुझे बताइए. जैसा खड़ा हुआ और जाने लगा तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने रूल सिखाया था कि इफ यू डू नॉट शूट इट्स 100% मिस, यू डोंट शूट इट्स 100% मिस, फॉर गॉड सेक शूट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान में डाल दें, यू डोंट शूट इट्स 100% मिस, तो गॉड से शूट तो करो यार, मैं शूट तो करूं. तो मैंने कहा कि इमरान साहब ये बताएं कि आप फजर के बाद क्या करें. तो कहते हैं हाँ फजर के बाद तो मैं मेरे पास एक घंटा होगा. तो कहा कि मैं आप फजर में आ जाऊँ. तो कहते हैं कि आ जाओ. अच्छा घर तो मैं देख लिया ठीक चल. अब जब मैं निकलने लगा तो मुझे कहते हैं कि आप ठहरे थे कहाँ. तो मैंने कहा कि मैं तो रॉकलैंड काउंटी में ठहरा हूँ, जो कि वहां से तकरीबन कोई एक डेढ़ घंटे की ड्राइव पे नॉर्थ ऑफ न्यूयॉर्क. अच्छा रॉकलैंड काउंटी में ठहरा वहाँ. अच्छा वहां जाएंगे आप अभी. मैं नहीं नहीं वो तो लेट हो गया तो वहां जाके छुपा ना. मैं कहा नहीं मैं ऐसा करूँ तो होटल वही मैं ले लूंगा थोड़ा सा उस पर ठहर जाऊँ उसको आ जाऊंगा. यहाँ पास जो है मस्जिद होती है आपने पूरे में अलहमदिल्ला यूएस में मोटर थके हो. कहने वो हुआ वेरी सॉरी कि आपको इतनी तकलीफ होगी. असल में अगर मेरी फैमिली यहाँ होती तो मैं तो आपको ऑफर करता कि हमारे पास ही ठहर जाए, लेकिन आई कैन होस्ट अ गेस्ट
मुझे पता नहीं होगा चीजें कहाँ रखी फलाना घर में कमरे वकील कर रहे होंगे और जो है मैं कहने कोई बात नहीं मैं बाबा सुबह आ जाऊंगा रोज कहने कि हाँ और देखे ना मैं ये तो कह नहीं सकता ना आपको कि आप जो है वो ड्राइंग में से ड्रॉइंग रूम में जमीन से सोने का तो कोई इशू नहीं है वो तो मैं जमीन से सोते रहता हूँ तो होता है तो कोई मसला नहीं है तो सो जाता हूँ मैं फलाना और उनको ये थोड़ी बताया जाता है मैंने विधि पर काम किया और दूसरा पता नहीं जंगों में तो काम है सुना है अरे शोर क्या जमीन से सोने का कोई मसला ही नहीं है।